ऐप बना रहा था ना, उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। वो किसी ने कोड करते हुए हाईलाइट नहीं की, बाद में नज़र आई। वो मिस्टेक ये थी कि यार, ये मैंने सर्वर डॉट एम जी एस जो बनाया ना, इसमें मैंने लिखा यार API/API/V1 और इसको इस राउटर पे भेज दिया। लेकिन जब मैं इस राउटर के अंदर गया ना, तो यहाँ पे भी मैंने बाई मिस्टेक ना ये API V1 दोबारा लगा दिया। ठीक है, इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे ये /API/V1 दो बार लिखना पड़ेगा URL में जब जाके ये हिट होगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ कि ये क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, स्लो खुल रहा है। अच्छा, तो हमारा जो बेस URL है वो लोकल होस्ट 3001 है ना, लोकल होस्ट 3001/API/V1, उसके बाद दोबारा /API, दोबारा /V1 और फिर /login। तो ये वाला ऐसा हो जाएगा मेरा URL। ठीक है, ये लोड हो गया पोस्टमैन। सही, मैं नया टैब खोल रहा हूँ पोस्टमैन में, मेरा ये हो जाएगा URL और वो URL पोस्ट था, पोस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यहाँ से गिरी, ये मेरा मेन फाइल है मेरी, यहाँ से रिक्वेस्ट गिरी और वो इस जगह पे आके ना /API/V1 पे इस राउटर के अंदर दाखिल हो गई। अच्छा, इतने पे जब हिट हो गया ना, तो इतना एलिमिनेट हो जाता है फिर। लेकिन अंदर जाके मैंने क्या किया, अब यार रिक्वेस्ट यहाँ से नीचे गिरेगी अब। ठीक है, router.use auth router। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन बाई मिस्टेक मैं इसको हटाना भूल गया हूँ। सिर्फ एक लगाया मैंने, ठीक है, बाकियों को नहीं लगाया। तो ये चलेगा तो सही, लेकिन जो है क्या होगा यार, ये तो सही है बिल्कुल, मुझे क्यों लगा था कि इसमें प्रॉब्लम है। वेल, लेकिन अगर मैं कमेंट वाला कॉल करूँगा तो उसमें एरर आ जाएगा स्टिल। लॉगिन वाला तो सही चलेगा, क्योंकि लॉगिन वाले में मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लगाया, मतलब ऐसे /API/V1 इसमें नहीं लगाया मैंने। इसमें अगर लगाता तो इसमें इशू आता। ठीक है, अभी तो लॉगिन वाला तो सही चलेगा, ज़रा चेक कर लेते हैं लॉगिन वाले को चला के। ये जो है ना मेरा, ये एक, ये सही चलेगा यहाँ से ऐसे। और पोस्ट की रिक्वेस्ट की मैंने, सेंड का बटन दबाया, तो ये लॉगिन मेरा चल गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कमेंट वाले को हिट करने की कोशिश करूँगा ना, तो वो नहीं हिट होगा उसमें फिर, ये क्योंकि डबल हुआ हुआ है। ठीक है, कमेंट वाला क्या था, /comment। ठीक है, इसको अगर मैं हिट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे /comment/post_id/comment_id। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको एज इट इज हिट किया हुआ था भाई, पोस्ट आईडी की जगह पे कोई एक नंबर होगा ना इस तरह, या कोई स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग होगा इस तरह या नंबर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, ऐसा ही है ना भाई। और ये नंबर मुझे उधर कहाँ मिलेगा, जब मैं यहाँ पे इसको, मतलब ये हिट होगी ना जब मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे request.params में ये चीज़ मिलेगी, console.log। और मैंने कहा कि यार request.params, ठीक है। अब request.params जो, वो क्या होगा, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मुझे पोस्ट आईडी और कमेंट आईडी दोनों मिल रही होगी। ठीक है, मैं पैराम्स क्या के डॉट पोस्ट आईडी लगाऊंगा, तो पोस्ट आईडी मैंने जस्ट इसको इतने को भी कंसोल किया है, ताकि जब मैं हिट करूँ ना, तो वो वाली दोनों आईडी मुझे यहाँ पे मिले। ये सब लोगों को समझ आ गई थी ना बात, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा था उन्होंने डायरेक्ट इस तरह लिखा हुआ था, जो कि मुनासिब नहीं था। ठीक है, अब इसको मैंने हिट किया, तो ये पहली बात तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक दफ़ा और API/V1 ऐसे लगाना पड़ेगा, जो कि मिस्टेक थी मेरी, उसको मैं सही करने के लिए अभी। ठीक है, अब देखो हिट करूँगा तो हो जाएगा, अबे अभी भी नहीं हुआ, अब क्या चक्कर है। टोकन इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, टोकन इज़ नॉट डिफाइंड, जो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक वो लगाया हुआ है ना, कि जी एक चेक लगाया हुआ है मैंने, तो वो चेक को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं const टोकन इक्वल्स टू वैलिड ऐसे हाथ से लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि जी वैलिड है, तो तभी इसको क्रॉस करेगा ये।
अच्छा अब इसको मैंने हिट किया, अब अभी भी प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है? फोर ज़ीरो फोर, हाँ भाई अभी मैंने क्या मिस्टेक की हुई है इसमें, स्लैश ए पी स्लैश वी वन, इसके बाद इस राउटर में गया, इस राउटर में जाने के बाद ये वाला क्रॉस हुआ, और ये वाला क्रॉस होने के बाद दोबारा स्लैश ए पी स्लैश वी वन है, और फिर जब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा ये गेट हुआ है, एक्चुअली ये गेट हुआ है, इस वजह से जो है ना मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसलिए नहीं मिल रहा, ये मैंने मिस्टेक की हुई है, ठीक है गेट करूँगा तो मिल जाएगा मुझे, चल पड़ा ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड है, अच्छा यहाँ पे मैंने पोस्ट क्रिएटेड का कमेंट ज़रा मिस्टेक से लगाया है, यहाँ पे होगा कि भाई ये आपके सारे कमेंट्स आ गए, ठीक है ऑल कमेंट्स इज़ हियर, ठीक है आपको सारे कमेंट्स यहाँ पे से रिसीव हो जाएंगे जब आप गेट की रिक्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है ऑल कमेंट्स इज़ हियर, लेकिन अब मुझे ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये दो दफ़ा जो आ रहा है इसको मैंने सही करना है, इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे आके ना जो मैंने ये गलती से लगा दिया इसको मुझे रिमूव करना होगा, ठीक है इसको रिमूव करने की वजह क्या है कि जब मैं यहाँ से एंटर होता है ना जब ये, और जब यहाँ से मैंने ए पी आई स्लैश वी वन कर दिया तो इतना पार्ट एलिमिनेट हो गया, अब अंदर जो है वो इतने पार्ट के आगे से कहानी शुरू होगी राउटर के अंदर से, ठीक है राउटर का समझ ले, राउटर को चलाने का ये एक तरीका है, तो जब मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ तो यहाँ पे मुझे दोबारा से कोई भी राउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा कि रिक्वेस्ट ऊपर से गिरेगी, पहले ऑथ राउट में दाखिल होगी, ऑथ राउट के अंदर जाएगी, इसमें अगर कोई चीज़ मैच नहीं हुई तो इससे बाहर आ जाएगी, फिर और नीचे आएगी, फिर इसके अंदर दाखिल होगी, इसमें भी कोई चीज़ अगर, क्योंकि ये यूज़ है, इसमें से नेक्स्ट कॉल होगा तो नीचे आ जाएगी अगले पे, ठीक है नेक्स्ट कॉल किया मैंने तो अगले पे आ गई, फिर यहाँ पर आएगी, इसके अंदर जाके भी तमाम एपीआई से वो मैच करने की कोशिश करेगा, जी जी एजम्पशन मतलब सवाल ज़रा दोबारा रिपीट करो, नहीं इसके सिस्टम के फोल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, सिस्टम के फोल्डर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा ये जो मैंने, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, अब तुम ये कह रहे हो कि ये जो मैंने फोल्डर का नाम भी रखा है स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन, और मैं ए पी आई का यू आर एल भी इसी तरह बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ठीक है ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस फोल्डर का नाम अगर मैं सिर्फ वी वन रख दूँ या सिर्फ V2 रख दूँ तो भी चलेगा, फिर इम्पोर्ट उसी नाम से होगा, लेकिन API का जो URL है ना उसका ताल्लुक किससे है, वो इस वाले पाथ से है कि मैं जो यहाँ पे पाथ में जो बात लिखूँगा ना, ये बिल्कुल फोल्डर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो पाथ में बात लिखूँगा URL वो वाला बनेगा, सॉरी यहाँ पे पोस्ट तो नहीं लिखेंगे ना आप यहाँ पे, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैं V1 के अंदर जाता हूँ तो अच्छा V1 में पूरे पे एक्सप्लोर करके अगर कुछ नहीं टकराया तो वापस आके फिर V2 में भी दाखिल हो जाएगा ये, अच्छा तो मैं V1 के अंदर गया तो V1 के अंदर जो है ना मजीद ये तो ऊपर चीज़ें इंपोर्ट हुई भी हैं, ठीक है इंपोर्ट वाले को छोड़ दो, अब ये मैंने इसको डायरेक्ट दाखिल करवाया बगैर किसी यहाँ पे पाथ के डिफाइन किए हुए, अगर मैं कोई पाथ यहाँ पे डिफाइन करूँगा ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ABC/ABC ठीक है, तो अब क्या होगा ये /API/V1 और /ABC यहाँ तक होगा तो ये हिट होगा, अच्छा ABC के आगे कुछ भी हो जब भी हिट हो जाएगा, तो अब क्या हो गया इतने तक ना एलिमिनेट हो गया ये, अब इसके अंदर जो मजीद बात होगी ना वो यहाँ से आगे होगी, अब आगे जितना मर्जी आप ले जाओ इसको, सॉरी दोबारा पूछो, अगर मैं सही समझाऊं सवाल आपका तो आप कह रहे हो कि इस फंक्शन के अंदर जब किसी बंदे ने कमेंट को गेट किया, अब कमेंट को गेट करने के दौरान आप यहाँ पे एक exhaust.get करके एक दूसरी
API कॉल करना चाह रहे हो, तो ये तो जावास्क्रिप्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने वेदर की जो करते थे ना अब API कॉल, वो आपने यहाँ पे कॉल की और आपने डॉट करके जो उसका रिस्पॉन्स हम लेते थे यहाँ पे ना, ऐसे अवेट करके उसका रिस्पॉन्स लेते थे हम, तो वो रिस्पॉन्स लेके फिर आप आखिर में तसल्ली से यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड करें, ठीक है। तो किसी भी सर्वर के इन्वायरमेंट में खड़े होकर आप कोई API कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक्जियोस से करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें समझ आ गई। अच्छा, अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है कि इसमें से एक जो आइटम है ना उसको ज़रा उसके अंदर एक वेरिएबल बना के ना चीज़ें ज़रा सेट कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ये पोस्ट है, पोस्ट को एक्चुअल में क्रिएट अभी कुछ भी नहीं हो रहा पोस्ट की API में। जब मैं /API/v1/post के ऊपर पोस्ट की रिक्वेस्ट करता हूँ और उसमें डेटा देता हूँ बॉडी में, तो पोस्ट एक्चुअल में क्रिएट नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके एक लेट पोस्ट्स इक्वल टू ऐसे एक एरे बना लेता हूँ। अच्छा, ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये काम करना नहीं है हमने, ये दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नॉट रेकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। सर्वर शुड बी स्टेटलेस, ठीक है। ये असल में जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ सर्वर पे, ये चीज़ रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ज़रा, क्योंकि UI से कनेक्ट करेंगे तो कुछ तो पीछे बन रहा हूँ ना, जब ही मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैंने बना दिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पर, ठीक है। पोस्ट के अंदर मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, टेक्स्ट होगा और एक यूनिक आईडी होगी पोस्ट की, बस फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये एक पोस्ट पहले से बना दी मैंने, अब क्या होगा, जब भी मैं क्या करूंगा, ये वाली API हिट होगी जब भी मेरी, इसको मैं जरा कट करके यहां से टॉप पे ले आता हूं, ठीक है। इस API के हिट होने पे क्या होना चाहिए मेरे पास, पोस्ट एक क्रिएट हो जानी चाहिए सर्वर पे। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मैंने और भी वो कर दी, ये API v1 का तो मैंने ये हटा दिया, यहाँ जो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था गलती से, v2 में भी जाहिर है कॉपी मैंने इसी को किया है, तो यही चीज़ v2 में भी होगी, ठीक है। ये v2 में भी है, यहाँ से भी ज़रा मैं हटा दूँ इसको, ठीक है, यहाँ से भी मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कॉन्स्ट करके ना टोकन इक्वल्स टू वैलिड लगा देता हूँ, ताकि क्या होगा कि जी वो जब तक वो मिलेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो उस टेस्ट नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हुए थे, ऐसा ही है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हुए थे कि जी वो ये कैसे होगा ये वाला काम, क्योंकि वो हिट कर रहे थे, हिट हो ही रहा नहीं था, कह रहे थे यार सही URL हिट कर रहे हैं, फिर भी वो API पे पहुंच रहा नहीं है। तो इस V2 को मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ और वापस मैं V1 पे आ जाता हूँ, ठीक है। और V1 के किस पे आ गया हूँ मैं, पोस्ट वाले फाइल में आ गया हूँ, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें तमाम की तमाम पोस्ट मेरी क्या होगी, स्टोर होगी। जब भी मैं क्या करूँगा, मेरे सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली सारी डिलीट हो जाएगी, ये वेरिएबल रीसेट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं क्या होता है, कंट्रोल एस जैसे ही दबाता हूँ ना, तो नीचे आप देखो सर्वर रीस्टार्ट खुद से होता है नॉट मॉन की वजह से। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, सारी पोस्ट क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी उसमें से, अगर मैंने कोई क्रिएट की है तो वो सारी गायब हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, हम यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे करना है कि यार बॉडी रिक्वेस्ट की जो बॉडी है मेरी, उसमें से पोस्ट का जो डेटा है वो बाहर निकालना है मुझे। तो मैंने क्या बोला कि यार पोस्ट डॉट पुश और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना मैं यही वाली चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे यही चीज़ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार किया मैंने ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ID करके एक चीज़ होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल करके एक चीज़ होगी और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट करके एक चीज़ होगी।
तो ये पुश कर दो, और पुश करके आप बोलो कि भाई पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, और साथ में मैं क्या करूँगा, एक अदद वैलिडेशन का भी यहाँ पे स्कीमा लगा दूंगा छोटा सा, कि जी अगर जो है ना किसी बंदे ने API कॉल की और इनमें से कोई एक चीज़ मिस कर दी अगर, तो उसको भी वो आगे ना बढ़ने दे, बोल रोक दे उसको कि भाई आपने जो पोस्ट की है ना उसमें टेक्स्ट है ही नहीं, या उसके अंदर जो है ना टाइटल उसका है ही नहीं, वो रिक्वायर्ड है, वो देना था आपने। अलग अलग API के केस में अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो कितने रुपये की ट्रांजेक्शन करनी है तो रिक्वायर्ड पैरामीटर है ना, वरना तो वो बात बनेगी नहीं। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ID होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैसे मैं ये बात लिखूं, कौन बताएगा, कैसे लॉजिक लिखूं कि इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो ये इफ ट्रू हो जाए। कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो इफ ट्रू हो जाए, एंड एंड लगा दूं, एंड हो गया और सही चला है अभी। हाँ भाई सही लिखा है ये मैंने, यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी लगाना होगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एंड लगाया इसकी जगह मुझे और लगाना होगा, सही है। जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी के अंदर मैं एक नंबर या स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर तो वो हुई तो ये क्या होगा, ट्रूथी वैल्यू होगी ना, तो ट्रूथी वैल्यू पर नॉट लगाने से क्या हो जाता है, ये फॉल्सी बन जाती है। तो आइडियल केस में जब तीनों पैरामीटर होंगे ना, तो ये पहला फॉल्स, और लगा के दूसरा भी फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रूथी वैल्यू आई है और मैं नॉट लगाया तो वो फॉल्सी बन गई, और तीसरा भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तीनों फॉल्स आएगा तो ये इफ ट्रू नहीं होगा, आइडियल केस ये है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आईडी अनडिफाइन हो गई, तो अनडिफाइन क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, उस पर नॉट लगेगा तो वो ट्रूथी वैल्यू बन जाएगी और फौरन ये इफ ट्रू हो जाएगा, आगे वाले को चेक नहीं करेगा ये, अगर पहला ट्रू हो गया या दूसरा ट्रू हो गया तो तीसरे को चेक नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के जी रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बैक टिक में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डॉक्यूमेंटेड बनाना चाह रहा हूँ इसको। रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग लिखा मैंने, और मैंने साथ में ही लिखा एग्जाम्पल रिक्वेस्ट बॉडी कैसी होनी चाहिए, एग्जाम्पल जो होगी ना रिक्वेस्ट की बॉडी की वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह की होगी। ये मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में स्ट्रिंग वैल्यू दी है, आप नोट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी है। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API, कि अगर इस API को कोई कॉल करता है तो उसको सामने से गलत कॉल करेगा तो एरर के मैसेज में पूरा गाइड उसको मिलेगा कि जी इस तरह से इस API को आपने कॉल करना है, ठीक है। ये वाली बात समझ आई, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी है कि अगर जी कोई इसको गलत तरीके से हिट करता है ना इस API को तो क्या होगा, ये इसको चलाने नहीं देगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम /API/V1 और पोस्ट, और इसमें रिक्वेस्ट है पोस्ट की, और मैं बॉडी में गया और बॉडी में जाके मैंने रॉ सेलेक्ट किया, रॉ सेलेक्ट करके जेसन यहाँ पे से सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये जेसन जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये जस्ट वैलिडेशन के लिए, अगर मैं ये जेसन सेलेक्ट नहीं करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे ये एरर नहीं देगा कोई, अगर मैंने गलत लिख दिया ना तो एरर नहीं देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ID equals 12, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि यार टाइटल, ठीक है, देखो मुझे ये एरर नहीं दे रहा इसको, हालांकि एरर देना चाहिए। एरर क्यों देना चाहिए इसको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से बाहर जो है ना की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग होती है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऑप्शन है कि आप ना की को बगैर स्ट्रिंग के भी लिख दें तो चल जाता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, वरना जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जाहिर है जेसन तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड है ना इस वक्त, तो हर लैंग्वेज में क्या होता है, आपको इस आईडी को क्या करना होता है, स्ट्रिंग में रखना होता है और उसके आगे आपने वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू वही है, 3-4 पॉसिबल वैल्यू है कि जी स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। जी, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउजर से हो ही नहीं सकती, वो तो एक्सियोस से फिर रेट करेंगे ना, अभी आज वही तो करना है हमें, अभी उसी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेंड का बटन दबाया, देखो एक पैरामीटर मिसिंग है ना मेरे पास, एक पैरामीटर मिसिंग है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, एरर में ये पूरी बात लिख के दे दी कि भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग है। अच्छा, स्टेटस मेरे पास अभी भी 200 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, स्टेटस को भी ज़रा चेंज कर देते हैं यहाँ से आगे। रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हुए मैं क्या करूँगा, डॉट
स्टेटस, ठीक है, 403 स्टेटस पता है, डिस्कस हुई है यहाँ पे ये बात, HTTP स्टेटस होता है, चलो याद दिलाना, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा स्टेटस इस तरह भी सेंड कर सकते हैं और अलग अलग भी, रिस्पॉन्स डॉट ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अलग अलग लाइनों में भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीके सही हैं, और चेन बना के भी कर सकते हैं एक ही लाइन में, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। इसको मैंने दोबारा हिट किया, अभी भी 200 क्यों दे रहा है ये। अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ गया इस बार, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर इट इज सेंड, क्यों भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सही तो लिखा है, स्टेटस की स्पेलिंग सही है, देखते हैं किस लाइन में एरर दे रहा है ये। इसमें ये होता है कि एक दफ़ा आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉल कर देते हैं ना, तो सेकंड टाइम आप जब, अगर गलती से आपने दो दफ़ा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया तो ये वाला एरर आता है कि भाई रिस्पॉन्स तो जा चुका है, ये आप अब ऐसे क्यों कर रहे हो आप। इसको मैं ज़रा रोक के दोबारा चलाता हूँ, 5 सही तो है, सब कुछ तो सही है, अरे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ पे भी लगा हुआ है ना, तो ये क्या इफ़ ट्रू हो जाता है क्या, ओ गॉट इट। ये पता है प्रॉब्लम क्या है, बहुत से समझना है इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम क्या है, देखो होता क्या है, होता ये है कि मेरा यहाँ से शुरू हुआ ये राउटिंग, मतलब जो मेरा राउट था उसमें दाखिल हुई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दाखिल हुई, इफ़ पे लगाया मैंने, और इफ़ लगा के मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया, ये पूरी बात मैंने लिख दी, लेकिन इस जगह पे मेरा कोड रुकेगा नहीं, इस जगह पे मेरा कोड रुकेगा नहीं, ये कोड तो आखिर तक जाएगा पूरा नीचे तक, तो क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड ये वाला भी हिट हो जा रहा है और ये वाला भी हिट हो जा रहा है, जब दूसरी दफ़ा हिट होता है तो वो एरर दे देता है, कहता है यार ये तो एरर है, अब इसके लिए मैं क्या करूँ, इसका क्या हल निकालूँ मैं, अब इसका हल ये निकालूँ कि देखो ये एक फंक्शन है असल में, ये पूरा का पूरा ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक अदद फंक्शन है, ये एक अदद फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टर्मिनेट करना है, रोकना है फंक्शन की एग्जीक्यूशन को, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक तो फॉर लूप में लगता है फंक्शन में, नहीं रिटर्न कॉल करता हूँ, ठीक है, फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड आ जाता है, फंक्शन वहाँ रुक जाता है, तो मैं क्या करूँगा, ये अगर एरर आता है ना तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करने के बाद मैं रिटर्न भी कॉल करूँगा, ठीक है, रिटर्न कॉल करने से क्या होगा, ये इफ़ ट्रू हुआ अगर, तो ये इफ़ की बॉडी चलेगी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हाथ के हाथ रिटर्न हो जाएगा, कोड मेरा आगे नहीं बढ़ेगा, अगर मैंने ये रिटर्न नहीं लगाया तो कोड मेरा क्या होगा, आगे भी बढ़ जाएगा और ये पोस्ट में पुश हो जाएगा, गलत डेटा हालांकि लेकिन पुश हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि मैं इसमें एल्स लगा दूँ, मतलब बकाया बॉडी को एल्स में रख दूँ, लेकिन एल्स वाला तरीका ज़रा नॉट रिकमेंडेड ना, रिटर्न वाला जो तरीका है वो ज़रा ज़्यादा सही है, ठीक है, अब इसको मैं हिट करूँगा तो अब ये वाला इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अभी भी यार ये 200 क्यों आ रहा है, इधर 200 तो नहीं आना चाहिए, ये जो 200 आ रहा है ये गलत आ रहा है, एक दफ़ा इसको ज़रा एक लाइन में करके देखते हैं, 403 मैंने लिख के भेजा है और यहाँ पे जो है ना वो आ रहा है, ओ बता भी नहीं रहे हो, मैंने यार स्टेटस मैंने यहाँ थोड़ी चेंज करना है, ये तो 200 है ना यार पोस्ट क्रिएटेड, एरर तो मुझे इधर आया हुआ है ना, तो मैं एरर पे लिखूंगा ना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, भाई एरर का जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ उस पर मैं स्टेटस चेंज करके भेजूंगा ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इज 403 और सेंड, ठीक है, अदरवाइज अगर ये इफ ट्रू नहीं होता तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये बाई डिफॉल्ट 200 है, अगर हम कोई स्टेटस सेट नहीं करते तो बाई डिफॉल्ट 200 है, ठीक है, अब ये मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है, अब आया 403 फॉरबिडन, 403 आ गया यहाँ पे। अच्छा 403 भी ज़रा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, HTTP स्टेटस कोड लिखा मैंने,
यहाँ पे गया, देखो सर्वर से जब भी हम रिस्पांस भेजते हैं ना तो स्टेटस कोड उसके साथ भेजना स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़रूरी होता है, ठीक है। आप नहीं भी भेजोगे कोड तो सर्वर आपका फिर भी सही चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड है, अगर आप ये सही तरह से उसको फॉलो नहीं करोगे ना तो जो भी फ्रंट एंड का बंदा होगा या जो भी उस API को इस्तेमाल कर रहा है वो आपको गालियाँ देगा सही है, दिल दिल में ही देगा, मुँह पर तो शायद ना दे। अच्छा, लेकिन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जैसे कि वेदर API है, प्रोडक्ट है ना वो, तो प्रोडक्ट में अगर आपने ये काम किया तो लोग उस प्रोडक्ट को फिर अवॉइड करेंगे कि यार आपने अगर सही तरह से ये स्टेटस कोड वगैरह नहीं भेजा हुआ ना अगर सर्वर से, तो ज़रा लोग फिर तंग होते हैं कि यार आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या होता है, सब लोग सुकून में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स किया है, 200 का मतलब है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, और 200 से लेके 299 तक जो स्टेटस कोड है अगर ये आता है सर्वर से तो इसका मतलब है जो रिक्वेस्ट आपने की थी वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। अच्छा, 100 से लेके 199 इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है कि रिस्पॉन्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यार ये हो गया है। अच्छा, नंबर 300 से लेके 399 तक रीडायरेक्शन मैसेजेस होते हैं कि अच्छा जी सर्वर जिस पे आपने हिट किया था वो सर्वर आपको बोल रहा है कहीं और चले जाओ, तो वो कहीं और जाते हुए ये स्टेटस कोड साथ में दे के भेजता है, ठीक है। तब उस सर्वर पे आप पहुंचते हैं, उसको पता चलता है अच्छा ये रिडायरेक्ट होकर आया, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका जो पाला पड़ेगा वो इस वाले से। फिर क्लाइंट एरर, क्लाइंट एरर का मतलब क्या है कि जिसने रिक्वेस्ट की है ना सर्वर पे, जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे मेरे केस में अभी रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, पोस्टमैन भेज रहा है, यानी मैं खुद भेज रहा हूँ एक्चुअली, पोस्टमैन भेज रहा है, या मेरी मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट जा रही है, मेरे वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जा रही है, तो वो कहता है मतलब जब ये वाला रिस्पॉन्स हम जब भेजते हैं, जब हमें लगता है एज अ सर्वर डेवलपर हमें लगता है कि ये सामने वाले ने गलती की है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसने गलती की है कोई, मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई ऐसा URL हिट किया है जो कि मेरे सर्वर पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है, उसने /to-do list कर दिया है जो कि मेरे पास बना हुआ ही नहीं है, तो मैं उसको क्या भेजूंगा, 404, लेकिन ये 404 मैं नहीं भेजता हूँ, ये कौन भेजता है, फ्रेमवर्क लेवल पे ये हैंडल हुआ है कि कोई चीज़ अगर नहीं है तो 404 ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिर ये भी हमें खुद भेजना पड़ता है कि जी अब मौजूद नहीं है, अब क्या करना है, अगर वो हैंग हो जाएगा घूमता रहेगा वो, अगर Node.js में प्लेन Node.js से भी सर्वर बन सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क के बगैर भी सर्वर, लेकिन उस सूरत में क्या होगा अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया ना इस वाली चीज़ को कि जी कोई राउट मौजूद नहीं है तो 404 नहीं भेजा कर, तो वो घूमता रहेगा, हैंग हो जाएगा वहाँ पे वो, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क की वजह से हमें ये काम करना नहीं पड़ता। अच्छा, फिर 500 से लेके 599 तक ये हमें ये वाला कोड हम जब भेजते हैं जब हमें लगता है कि सर्वर की तरफ से कोई मसला था, मिसाल के तौर पर डेटाबेस ऑफलाइन हो गया है या सर्वर पे कोई ऐसी API हिट करनी थी जो किसी वजह से हिट नहीं हो पाई, ठीक है, तो हम 500 का देके भेजते हैं कि जी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, अभी ज़रा सर्वर पे कुछ इशू है हमारे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि 400 के अंदर ज़रा क्लिक मारता हूँ मैं, तो कुछ सजेशन दी गई है यहाँ पर कि जी 400 का मतलब है वैड रिक्वेस्ट, 401 का मतलब है अनऑथेंटिकेटेड या अनऑथराइज्ड, कोई बंदा ऐसी API हिट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें लॉगिन होना ज़रूरी है, जैसे पोस्ट करने के लिए लॉगिन होना ज़रूरी है लेकिन वो क्या कर रहा है, लॉगिन नहीं है वो, ठीक है, तो वो उसको मैं भेजूंगा 401। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने चीज़ की हुई है ना कि जी अगर टोकन ये वाला जो है ना इनवैलिड टोकन, तो इनवैलिड टोकन के साथ में स्टेटस क्या भेजूंगा, 401 भेजूंगा यहाँ से असूलन, ठीक है, आइडियल केस ये होगा कि यहाँ से मैं 401 भेजूंगा साथ में। अच्छा, आ जाते हैं फिर, और 402 का मतलब है पेमेंट रिक्वायर्ड, कि कोई ऐसी API हिट कर रहा है बंदा जिसमें पेमेंट लाजमी थी लेकिन उसने पेमेंट की नहीं है, तो मैं एक तो मैसेज लिख के भेजूंगा ना कि यार पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस API, या प्लीज़ यू आर रनिंग ऑन फ्री पैकेज, और इस तरह की कोई बात लिखूंगा मैं कि जी आप ज़रा प्रो प्लान पे आएँ फिर आप ये हिट कर सकते हैं, तो उसमें 402 स्टेटस भेजूंगा साथ में। 403 फॉरबिडन, कि भाई इस तरह की रिक्वेस्ट भेजना मना है, जैसे कि मैंने भेजा कि यार बॉडी में वो 3 पैरामीटर चाहिए थे, 2 लिख के भेजा उसने, मैंने कहा फॉरबिडन, ये 2 पैरामीटर लिख के भेजना मना किया है सर्वर के डेवलपर ने, मना किया है कि इस तरह नहीं भेजना आपने, तो फॉरबिडन कर दिया मैंने, ठीक है। फॉरबिडन के और क्या क्या यूज़ केस होते हैं, फॉरबिडन पे क्लिक करोगे आप, बड़ा लंबा मजमून है, देख लेना, पढ़ लेना अगर मौका मिले तो। 404 नॉट फाउंड सबसे मोस्ट कॉमन है, आपने अक्सर देखा होगा। 405 है, उसके अलावा 406 है, 410 है, 411, ठीक है, ये एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पे एक सर्टन पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है, 28 29 31, 431 पे, 451 पे आके ये ख़त्म हो गया है यहाँ पे। इसके बाद की जो बची हुई जो लिस्ट है ना 499 तक जो है वो आपके लिए खुली छोड़ी है इन्होंने कि जी आप अपने मर्ज़ी से कोई भी कोड बना लें, ठीक है, आप अपना खुद का भी कोड बना सकते हैं, खुद का एरर कोड आप बना सकते हैं, ठीक है। हर API के अंदर एरर के कोड्स
लिस्ट बनी हुई होती है कि यार ये वाली एपीआई कौन कौन से एरर के मैसेजेस रिटर्न कर सकती है, ठीक है, जैसे फायरबेस की एपीआई है, ठीक है, फायरबेस एरर कोड लिस्ट लिखूंगा मैं, तो वो जो जो एरर पॉसिबल है ना फायरबेस से जो आते हैं वो सारे की लिस्ट आ जाएगी एक यहाँ पे, ठीक है, ये वो सारे एरर्स हैं जो फायरबेस से आ सकते हैं पॉसिबली। अच्छा, इन्होंने क्या किया, कोड वाला हिसाब नहीं रखा, इन्होंने स्ट्रिंग वाला हिसाब रखा है कि ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने कोड वाला हिसाब नहीं रखा, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट में लेकिन बता दिया कि इस तरह होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या होगा, इनवैलिड पासवर्ड जब आप बोलें, अगर आपने पासवर्ड लॉगिन करते हुए गलत दिया ना फायरबेस ऑथेंटिकेशन में, तो ये एरर आएगा, एरर का कोड ये वाला आएगा, सही है। इसी तरीके से आपका जो और कौन सी एपीआई है, कोई और कोई एपीआई का नाम बताओ, उसके एरर के कोड देखेंगे हम। वेदर एपीआई में कोड, उसमें क्या एरर आएगा, वो तो सीधा सीधा बस टाइम, स्पेलिंग बताओ, अच्छा टाइम एपीआई, नहीं टाइम एपीआई की तो खैर वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें, यहाँ से हम देख लेते हैं ना कौन सी टॉप लिस्ट आ रही है यहाँ पे एपीआई जो बेच रहे हैं आजकल ये। गूगल सर्च की एपीआई जो है, ठीक है, एरर कोड्स देखो, ये इन्होंने एरर के कोड्स पहले से डिफाइन किए हैं कि जी 401 जब हम भेजेंगे तो उसका ये मतलब होगा, ये तो चलो फिक्स वाला है, देखो 303 सी अदर ये वाला है, तो ये इन्होंने सारे एरर के मैसेजेस। अब यहाँ पे आप देखना कि 451 के बाद भी इन्होंने चीज़ों को लिखा हुआ होगा कि जी ये देख रहे हो आप 410, 412, 413, ठीक है। वैसे ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कि आप जो है ना 400 में पूरा आखिर तक जाएं, ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अच्छा, इन्होंने देखो अंदर अंदर ही उसके निमटा लिया, उतना आगे इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो जेनेरिक जेनेरिक है उसी को ही यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। प्री कंडीशन फेल्ड 412, प्री कंडीशन फेल्ड, अब ये 412 क्या था हमारे पास, इधर 412 था हमारे पास, हाँ 412 था प्री कंडीशन फील्ड। अभी इस हर पे क्लिक कर लेना कि भाई प्री कंडीशन क्या होती है, क्लिक करोगे इस पे तो इसके अंदर लेके चला जाएगा, प्री कंडीशन की पूरी बात बताई है इसने, पूरी नीचे हिस्ट्री लिखी है कि भाई इस तरह से हो सकता है ये। अब इसको पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या चक्कर है प्री कंडीशन का, ठीक है। स्टेटस कोड समझ आ गया, अच्छा तो मैंने क्या कर लिया, वापस पोस्ट में आ जाते हैं, तो मैंने पोस्ट को पुश करवा दिया। अच्छा ज़रा, अब ये तीसरा जो था ना मेरा टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी यहाँ पे लगाता हूँ मैं, सम टेक्स्ट और सेंड का बटन दबाया, तो अब इसने बोला भाई पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, हमें तो यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि इस वेरिएबल को मैंने कॉन्सोल नहीं करवाया, लेकिन इस वेरिएबल में अब एक और पोस्ट आ चुकी है। अच्छा, अब गेट वाला काम करना है, मैंने गेट वाले काम में एक तो तमाम पोस्ट मुझे उठानी थी, ठीक है, फिलहाल मैं यूज़र आईडी वगैरह हटा देता हूँ कि बस स्लैश पोस्ट है, सारी पोस्ट आ जाएगी, ज़रा भी टू कीप इट सिंपल, ठीक है। इसको भी ज़रा मैं क्या करता हूँ, टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। तो स्लैश पोस्ट की जब रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या भेजना है, वो पूरा का पूरा जो पोस्ट्स का वेरिएबल है वो मैंने ऐसे भेज देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने ये, अच्छा क्योंकि सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो पोस्ट क्रिएट हुई भी होगी तो डिलीट हो गई है, तो एक दफ़ा और मैं पोस्ट को ऐसे क्रिएट कर देता हूँ और फिर मैं इसी पे गेट की रिक्वेस्ट करूँगा तो, और एस लगा के करूँगा, ठीक है ना, एस क्योंकि मैंने नहीं लगाया हुआ था। ज़रा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, एस लगा के करूँगा तो ये मुझे देखो दो पोस्ट अब रिटर्न हो रही है यहाँ से, ठीक है। बल्कि मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ ना यहाँ पे, कि एक में गेट और एक में पोस्ट कर लेता हूँ, एक में पोस्ट ही रहने देता हूँ और इसमें मैं गेट लगा देता हूँ, सही है। अब पोस्ट के ज़रिए मैं क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा कुछ, टाइटल में मैंने लिखा भाई न्यू पोस्ट है ये, और हिट किया तो ये जाके पोस्ट क्रिएटेड हो गई। अब मैं इस वाले गेट पे आके क्या करूँगा, हिट करूँगा तो अब मुझे तीन पोस्ट मिलेगी, ठीक है, देखो न्यू पोस्ट ये आ गई,
सही है, ये API के ज़रिए अब कम्युनिकेशन शुरू हो गई है सर्वर से, चीज़ें अब सर्वर पे क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब साथ साथ मैंने एक काम और भी करना है, ये पहले से कुछ चीज़ें मेरे पास खुली हुई हैं, उसको ज़रा मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम मैंने साथ साथ और करना है जो आप भी करेंगे, आपके असाइनमेंट का पार्ट इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। जब आप API लिख रहे हैं ना, वैसे अभी तो दो API हुई है, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई 40-50 के करीब APIs हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें अंदर कुछ हो नहीं रहा लेकिन बना चुके हैं, है ना, 4 लॉगिन साइनअप वाली, 4 पोस्ट वाली, 4 कॉमेंट्स वाली, फिर सबका V1 अलग है, V2 अलग है ना। तो इसको अब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे लिखेंगे? डॉक्यूमेंटेशन तो मांगता है ना क्लाइंट, जब आप उसको इतनी सारी API लिख के देंगे तो डॉक्यूमेंटेशन तो लिख के देनी पड़ेगी ना, वरना फ्रंट एंड डेवलपर को क्या पता कि कौन सी API है कौन सी नहीं है। आपने तो सर्वर होस्ट कर दिया, अब सर्वर दिखता थोड़ी है किसी को, भाई सर्वर मैंने होस्ट कर दिया गूगल क्लाउड पे और मैंने URL उठा के दे दिया फ्रंट एंड डेवलपर को, अब उसको क्या पता कि स्लैश कमेंट की API कैसे हिट करनी है, उसमें क्या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, उसको तो नहीं पता ये बातें। तो मुझे उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, तो पोस्टमैन उसमें मेरी हेल्प कर देता है, पोस्टमैन असल में इस रिक्वेस्ट को सेव करना जानता है। तो मैं कलेक्शन में आऊंगा, यहाँ पर आप देखें मेरे पास बहुत सारी पहले से कलेक्शन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई कलेक्शन बना लेता हूँ, प्लस का बटन दबाया, प्लस का बटन दबा के मैं क्या करता हूँ, न्यू कलेक्शन जो नाम है इसको हटा के मैं कर देता हूँ SMIT B9 के नाम से, ताकि मुझे पता हो मैंने इस क्लास के लिए बनाया, बाद में रिमूव कर दूँ मैं। एंटर किया मैंने और नीचे यहाँ पे आप देखोगे कि SMIT B9 करके ना ये आ गया बना हुआ, ये नीचे आ रहा है, इस पर मैं स्टार का बटन दबाऊंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ टॉप पे आ गया SMIT B9। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं आऊँगा और इस B9 के फोल्डर के अंदर आके, यानी B9 की जो कलेक्शन है मेरे पास, ये पोस्टमैन कलेक्शन है, याद रखिएगा, ये पोस्टमैन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, पोस्टमैन से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती ये कलेक्शन। इसमें मैं यहाँ पे आके एक नया फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है, मैंने कहा ऐड अ फोल्डर, ऑर्गेनाइजेशन की बात है इसके अंदर जस्ट, और इस फोल्डर को मैं रीनेम करके बोलूँगा कि यार ये V1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि यार जो है ना डुप्लीकेट करो इसको, और ये क्या है, ये V2 है, ठीक है, देखो SMIT B9 V1 V2, ये हो गया। V1 के अंदर मैं गया और यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का बटन दबाऊँगा तो यहाँ पे एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें एक रिक्वेस्ट ऐड होगी, लेकिन मेरे पास पहले से रिक्वेस्ट यहाँ बनी हुई है ना, तो इसी बनी हुई रिक्वेस्ट पे आके मैं Ctrl+S दबाऊंगा ना तो ये सेव करने का ऑप्शन दे देगा। ये मुझसे पूछ रहा है यार किस में करना है सेव, बताओ आप। मैंने कहा कि इधर जाओ, SMIT B9 में सेव करो इसको और V1 में सेव करो, और सेव का बटन दबा दिया। देखो यहाँ पे ये V1 के फोल्डर के अंदर अभी नज़र आ गया, नज़र आ रहे है? अच्छा, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखो इसका नाम अभी क्या लिखा भाई, ये नाम लोकल होस्ट खुद से रख दिया इसने। मैंने इसका नाम क्या करना है, जाके चेंज कर देना है, मैंने इसका नाम क्या रख देना है, क्रिएट पोस्ट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में इसका नाम दिखाना है ना वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें ये क्रिएट पोस्ट का बना हुआ गया है हिसाब किताब यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले पे मैं गया जो गेट वाला है, इस पे भी Ctrl+S दबाया और अच्छा ये B9 में पहले से आया हुआ था, B9 में गया और मैंने कहा ये भी V1 में सेव होगा, सेव, ठीक है, V1 में ये भी नज़र आने लग गया मुझे। इसका भी नाम गलत हुआ, मैं नाम इसका सही कर देता हूँ, गेट ऑल पोस्ट मैंने नाम रख दिया इसका, ठीक है। तो क्रिएट पोस्ट और गेट ऑल पोस्ट, ये दो रिक्वेस्ट मेरे पास क्या हो गई, बन के आ गई है यहाँ पे। अब सबको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा से इसको बता रहा हूँ, V1 के अंदर मेरे पास डायरेक्ट ये दो APIs। अच्छा, मैं मजीद फोल्डर भी इसमें बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, मिसाल के तौर पर V1 के अंदर जो ऑथेंटिकेशन का अलग होगा 4 API, फिर पोस्ट का अलग होगा, कमेंट का अलग होगा, तो मैं उसको भी फोल्डर बना के ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ मजीद। तो मैं क्या करूँगा, ऐड फोल्डर करूँगा, मैं इसमें करूँगा कि यार ऑथ लिख दूंगा इसको मैं, सही है, V1/auth कर दिया मैंने। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ऑथ के अलावा मेरे पास यहाँ पे होगा चीज़ पोस्ट, ठीक है, और इन दोनों को उठा के मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट के अंदर मूव कर दूँगा मैं, मूव हो गया ये, ठीक है, इस पोस्ट के अंदर चला गया अभी। अच्छा, इसी तरह मैं फोल्डर बना के ना वो 40-50 जितनी भी API है मेरी वो सारी मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगा। अच्छा, सारी ऑर्गेनाइज़ करने का अब देखो फ़ायदा क्या हुआ मेरे पास, फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं आऊँगा इधर, मैं ज़ाहिर है डेवलपमेंट के दौरान मैंने टेस्टिंग तो करनी है ना, तो
तो मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं इसकी टेस्टिंग कैसे करूँगा, मैं पोस्ट वाले में गया और गेट ऑल पोस्ट वाले पे गया, देखो ये URL पहले से लिखा हुआ है और बॉडी में जो मैंने बात लिखी थी वो भी ये सेव कर लेता है, लेकिन अभी बॉडी तो पोस्ट वाले में थी ना, पोस्ट वाले में गया देखो बॉडी में ना ये लिखा हुआ है पहले से, तो ज़रा मेरा मेहनत भी बचती है मेरी और ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाती है अब, और डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। डॉक्यूमेंट जनरेट करने के वैसे और भी तरीके हैं लेकिन ये भी एक तरीका है, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके जस्ट गेट वाले पे क्लिक करूँगा और हिट करूँगा रिक्वेस्ट, तो ये गेट की API चल गई, जो भी था वो आ गया। अभी तक सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ तो तीनों की तीनों पोस्ट मेरे पास रिट्रीव हो रही है, ठीक है। सर्वर रीस्टार्ट होगा तो ये गायब हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल में, अल्टीमेटली उसको हम डेटाबेस से रिप्लेस करेंगे तो ये मसला हमारा खत्म हो जाएगा अपन। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास जो अब तीसरी API है, अभी डॉक्यूमेंट जनरेट करना सीखते हैं, ज़रा चार कंप्लीट कर लें इसके ऊपर फिर हम डॉक्यूमेंट जनरेट करना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यार स्लैश पोस्ट और पोस्ट की ID, ठीक है, यूज़र वाली अभी चीज़ हटा देता हूँ, मैंने समझाने के लिए की थी। अल्टीमेटली जब रियल सिनेरियो होगा तो उसमें जाहिर है यूज़र ID भी होगी मेरे पास, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ज़रा टू कीप इट सिंपल, क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज़रा शॉर्ट है, तो इस वजह से टू कीप इट सिंपल इसको मैं ज़रा शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट की ID। पोस्ट की ID मेरे पास क्या है, ये इस तरह से मौजूद है, तो मुझे कोई एक पोस्ट अगर गेट करनी है तो मैं इस तरह से करके गेट करूँगा। कैसे करूँगा जी एक पोस्ट गेट, में कौन बताएगा, पूरी पोस्ट तो यहाँ से नहीं भेजूँगा ना मैं। अच्छा नहीं, ये तो स्लैश पोस्ट वाला मैंने खोल लिया ना, ये तो सही है अपनी जगह, इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इस वाले को चेंज करना है ना। कैसे मैं एक पोस्ट निकाल के सेंड करूँ इसमें से, फॉर का मैं लूप चलाऊँगा इसके अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर का लूप क्यों चलाऊँगा मैं, क्या मैं यहाँ पर मैप का भी लूप चला सकता हूँ, मैप वाला जो है नहीं चला सकता यहाँ पर, मैं चला सकता हूँ बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आई जब तक छोटा हो किससे, पोस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। पोस्ट क्या चीज़ है, जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर तमाम की तमाम पोस्ट मेरे पास सेव हैं, और मैप क्यों रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे, कौन बता पाएगा ये बात मुझे, यहाँ पे मैं फॉर लूप ही क्यों चलाऊँ, मैप क्यों नहीं चला रहा, मैंने कहा मैं मैप चलाना नॉट रिकमेंडेड, क्यों, क्योंकि मैप को हम रोक नहीं सकते बीच में, मैप को ब्रेक नहीं कर सकते बीच में। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर 5000 पोस्ट है और जो ID थी वो मुझे तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे ही मिल गई, अब वो पूरे 5000 तक चलेगा, उसको मैं रोक नहीं सकता अगर मैप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो। फॉर लूप में मैं ब्रेक लगा सकता हूँ, ठीक है, फॉर लूप में मैं ब्रेक लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा जी इफ अगर जो है ना मेरी पोस्ट का इंडेक्स i.id अगर इक्वल्स हो जाए request.params.post id के, अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, response.send कर दो यहीं पर, और ब्रेक भी कर दो रिटर्न भी कर दो, दोनों काम कर दो, सही है। अच्छा ये हो गया जी मेरे पास, मैंने कहा कि जी response.send, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यार कौन सा वाला भेज दो आप, पोस्ट का इंडेक्स i जो है ना वो भेज दो उठा दो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर ये लूप चल के पूरा ख़त्म हो जाता है और ये मुझे नहीं मिलता है अगर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करूँगा, पोस्ट नॉट फाउंड, पोस्ट नॉट फाउंड विथ ID, और ऐसे करके मैं ID लगा दूँगा कि भाई इस ID से कोई पोस्ट मुझे नहीं मिली है। अच्छा लेकिन अभी होगा क्या, अगर तो ये पोस्ट मिल जाती है ना तो ये लाइन एरर देगी, ये लाइन एरर देगी ना, क्योंकि यहाँ पर से रिस्पॉन्स डॉट सेंड चला गया और यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से हिट हो जाएगा ये, तो इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूँ, ठीक है। रिटर्न मैं जैसे ही लगाऊंगा ना तो लूप तो क्या पूरा फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, तो लूप की क्या औकात है, पूरा फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम और कर सकता था, मैं यहाँ पे फ्लैग वाला भी तरीका कर सकता था कि जी फ्लैग लगा दूँ मैं, सही है, फ्लैग भी लगा सकता था कि भाई इज़ फाउंड ट्रू फॉल्स करके, फिर घुमाता मैं और घुमाने के बाद चेक करता कि भाई इज़ फाउंड अभी भी फॉल्स है तो नहीं मिला, अगर ट्रू है तो मिल गया, इस तरह की भी अप्रोच कर सकता था, लेकिन दिस इज़ अ मच सिंपलर अप्रोच, ठीक है। एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, सारे सही हैं अगर तो, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है तो वो सारे सही हैं, ठीक है। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड करा दिया अगर तो ये मिल जाता है, अदरवाइज अगर ये पूरा लूप चल गया और एक दफ़ा भी ये इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो ज़ाहिर है वो रिटर्न भी नहीं हो, फिर आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा तो ये पोस्ट नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा हम चला के देख लेते हैं। अच्छा पहले तो तमाम पोस्टों को गेट करते हैं, कितनी पोस्ट है अभी मेरे पास, सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसकी ID है 1232 नाम है इसका, ठीक है। तो
1232 नाम है, और मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब मैं इसी को डुप्लीकेट भी मार सकता हूँ, इसी को मैंने डुप्लीकेट का बटन दबाया ना गेट ऑल पोस्ट को, और इसका नाम मैंने क्या कर दिया, गेट ऑल पोस्ट का नाम आ गया मैंने गेट अ पोस्ट विथ आईडी, ऐसे नाम रख दिया मैंने इसका। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्लैश पोस्ट स्लैश क्या थी उसकी आईडी, 1 2 1 1 2 3 2 थी, 1 2 3 2 सही है, ऐसे समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना कैसे हो रही है। इसको ऐसे करके मैंने सेंड का बटन दबाया तो मुझे ये पोस्ट यहाँ पे इसने लाकर दे दी। अच्छा याद रखना मुझे हमेशा क्या होगा यहाँ पे, ये क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अभी तो वैसे इसने स्ट्रिंग नहीं लिखा, अभी तो इसने नंबर, अच्छा नहीं हमारा ये भी तो स्ट्रिंग था ना, हमारी आईडी भी स्ट्रिंग थी, जब ही तो मैच हो गया, अगर ये नंबर होता तो ये मैच नहीं होता, हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग रखा है ना इसलिए मैच हो गया। अभी इसको मैं नंबर कर दूंगा मैच नहीं होगा फिर ये, क्योंकि ट्रिपल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो मैच नहीं होगा, ये एरर मार देगा, ठीक है, बोलेगा भाई फाउंड नहीं हुआ। अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों किया इसमें, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आई डी सही तो लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, पोस्ट आई डी सही, यहाँ मैंने एरर के अंदर वो बात ज़रा अधूरी बात लिखी थी, ठीक है। हाँ आप देखो बता रहे हैं ना, 1 2 3 2 के नाम से कोई मिला ही नहीं इसको, तो मुझे ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैच करूँगा मैं, क्योंकि मुझे जब भी पैराम्स में आप भले नंबर लिखो जो भी लिखो मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, फॉर्म जब हम HTML के फॉर्म पढ़ रहे थे उसमें भी यही था कि जी इनपुट फील्ड की टाइप अगर नंबर भी कर दो तो मिलता मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में ही था, है ना, तो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब किताब। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको नंबर में ऐसे करके मैं कन्वर्ट कर दूँगा, सही है। अच्छा इसमें ऊपर यहाँ पे वैलिडेशन भी लगेगी एक कि जी ये पोस्ट आईडी जो है ना NAN तो नहीं है कहीं, ये भी मैं लगाऊंगा इसके अंदर अगर तो वो नंबर है तो, क्योंकि अगर मेरे पास वो NAN है ना तो वो इधर एरर मार देगा, जैसे ही ये कोड चलेगा एरर आ जाएगा, तो मैं ऊपर उसको इज NAN करके चेक करूँगा, पता है ना सब लोगों को इज NAN जो है, इज NAN करके मैं इसको चेक करूँगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आईडी ना अगर इज NAN है तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403, ठीक है, फॉरबिडन है इस तरह भेजना रिक्वेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं एक बात लिखूँगा कि भाई पोस्ट की जो आईडी है ना, पोस्ट आईडी मस्ट बी अ वैलिड नंबर, ठीक है, नो अल्फाबेट इज अलाउड इन पोस्ट आईडी, इस तरह की मैं कोई बात लिखूँगा जिसको जिससे उसको समझ आ जाए कि भाई अगर उसने पोस्ट आईडी पे ना अगर ऐसे लिख दिया है कि 12B लिख दिया है अगर उसने, तो उसको समझ आ जाए 12B नहीं लिख सकता मैं, इसमें सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ। लेकिन क्या मेरी पोस्ट आईडी सिर्फ नंबर होगी हमेशा, नहीं, हमेशा वो अल्फा नोमेरिक ही होती है, क्योंकि डेटाबेस में जो यूनिक आईडी जनरेट होती है वो अल्फा नोमेरिक होती है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में शायद मैं नंबर भी रखना चाहूँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे, यूज़ केस मेरा क्या है। अगर यूज़ केस में मैंने उसको रखा है कि भाई प्योर नंबर होगा हमेशा, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा फिर इज NAN वाला कि भाई नंबर ही हो तो जब ही आगे चले, वरना वो यहाँ पे कोड एरर दे देगा, आपका ब्रेक हो जाएगा सर्वर आपका, ठीक है। सर्वर में हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि हर तरह की पॉसिबल कंडीशन को मुझे हैंडल करना होता है कि मेरे सर्वर का कोड ब्रेक ना हो, मेरे सर्वर का कोड ब्रेक ना हो। और फिर हम एक ट्राई कैच भी लगाते हैं इसमें, एक बिगर ट्राई कैच पूरी ऐप के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर भी हम एरर को हैंडल कर रहे होते हैं कि अगर जी पूरा कोड में कहीं पे भी एरर आ जाए तो मेरी एप्लीकेशन स्टॉप ना हो, उस एरर को मैं कैच करता हूँ, हैंडल करता हूँ उस एरर को। खैर स्टॉप तो वैसे भी नहीं होता, एरर आने की सूरत में वो एरर प्रिंट कर देता है लेकिन सर्वर चल रहा होता है। सर्वर की ऐप की खास बात ये होती है कि जैसे जावास्क्रिप्ट होती है फ्रंट एंड, तो वो ब्रेक हो जाती है, रेड हो जाता है तो वो आगे नहीं चलती। लेकिन इसमें ये होता है कि एक रिक्वेस्ट में अगर एरर आई ना, एरर अगर आता है अगर, तो एरर को प्रिंट करके वो सर्वर को बंद नहीं करता। हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो एरर आ रहा था, लेकिन मैं अगली दफ़ा हिट करता था तो हिट हो जाता था, तो सर्वर बंद नहीं होता। लेकिन स्टिल फॉर द सेफ साइड हम क्या करते हैं, इस पर एक ट्राई कैच का भी ब्लॉक लगाते हैं, ताकि अगर वो मेरा ब्रेक भी होता है ना तो उस ट्राई उस कैच के ब्लॉक में एक लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं हम कि अच्छा जी ये अनएक्सपेक्टेड सारे एरर्स आए, फिर जब नेक्स्ट टाइम जब भी हाइड्रेशन होती है तो उन तमाम एरर्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके रिक्वेस्ट की बॉडी, उसके सारे पैरामीटर्स, उसके सारे हेडर्स, वो सब हम मेंटेन करते हैं लॉग में एक बड़ा ट्राई कैच लगा के, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आए ना तो उसकी एक लॉग मेंटेन हो जाए कि जी अच्छा इस सिचुएशन में ना जब बॉडी में ये बात लिख के भेजता है बंदा
और ये वाला URL होता है और हेडर में ये चीज़ें होती हैं, तो इस सिचुएशन में ऐसा एरर जनरेट होता है मेरे सर्वर पे। तो उसको मैं क्या करता हूँ, फिर उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ अगली आइट्रेशन पे। अच्छा जी, ये मेरा गेट कंप्लीट हो गया, पोस्ट और गेट अभी कंप्लीट कर लिया। पुट और डिलीट आपको पता है कैसे होगा, पुट और डिलीट तो पता है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे। अगर मिसाल के तौर पर मुझे आईडी मिली है कि भाई जिस पोस्ट की आईडी है ना 341 है, उसका टाइटल अपडेट कर दो, तो ये पता है ना, फॉर लूप चलाओगे, पहले आईडी तलाश करोगे, डॉट डॉट करके उसको चेंज कर दोगे, दैट्स इट। मुश्किल तो नहीं है ना कोई ये। अगर डिलीट करना होगा तो वो भी पता है कैसे होता है, एरे में से कोई एक इंडेक्स डिलीट करना हो कैसे होता है। एरे का, एरे में 10 आइटम है, मुझे 7वां नंबर आइटम डिलीट करना है, कैसे होता है, स्प्लाइस से भी होता है, ठीक है, और भी तरीके हैं उसको डिलीट करने के, तो कोई भी एक तरीका यूज़ करके आप उसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। वैसे भी हमने वेरिएबल तो यूज़ करना नहीं, अल्टीमेटली हमने डेटाबेस यूज़ करना है, तो इट डजेंट मैटर कि। तो अभी मैंने सिर्फ गेट और पोस्ट बनाया, ठीक है, सिंगल वाला पोस्ट भी बना लिया, सिंगल वाले पोस्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है ना। अब आके सिंगल वाली पोस्ट को हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, ठीक है, 1232। अच्छा, मैंने इसका यहाँ से आईडी चेंज कर दी ना हाथ से, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं गेट ऑल पोस्ट करता हूँ तो मेरे पास एक पोस्ट आ रही है, उसकी आईडी है 341, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 341 लिखूँगा मैं, तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है, एक पोस्ट आई है मेरे पास। आप नोट करें, इसमें एरे नहीं आया, इस केस में मेरे पास एरे नहीं आया। गेट ऑल पोस्ट में मेरे पास क्या आता है, एरे आता है, ठीक है, एरे में एक से ज़्यादा पोस्ट आ सकती है। अच्छा, अब इसको जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, फ्रंट एंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है फ्रंट एंड से कनेक्ट करने वाली वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। फ्रंट एंड से कनेक्ट करने से पहले मुझे क्या चाहिए, API की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे, क्योंकि बैक एंड का डेवलपर अगर मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कोई और है, तो इतना काम उसने मुझे करके दे दिया, अब मैंने उसको फ्रंट एंड से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये SMIT B9 जो है ना मेरा कलेक्शन, इस पर ये वाला बटन दबाऊँगा, और बटन दबा के मैं दो काम कर सकता हूँ। नंबर एक तो व्यू डॉक्यूमेंटेशन, इससे ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन बना देगा, जनरेट कर देगा खुद से, ठीक है। ये मेरे पास इसने डॉक्यूमेंटेशन मुझे बना के दिए कि भाई, अच्छा ये हेडिंग्स लगी हुई हैं, अभी इस हेडिंग में मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी टाइप कर दूंगा वो लिखा देगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, मैंने कहा कि भाई दिस इज़ API डॉक फॉर माई सर्वर, हाँ हाँ अभी मैं देता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद V1 होगा, उसके बाद auth होगा, उसके बाद स्लैश पोस्ट होगा। अब पोस्ट के अंदर दो API है, जाहिर है मैंने auth के फोल्डर को खाली छोड़ा हुआ, तो उसमें कुछ इसलिए शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो पोस्ट वाले पे आ जाते हैं जी, पोस्ट है, दिस API इज क्रिएटेड फॉर CRUD ऑपरेशन इन पोस्ट, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इस जगह पे जो भी आप लिखना चाहेंगे ना इस API के बारे में, ज़ाहिर है जब वेदर ऐप में गए थे तो आप वहाँ पे लिखा हुआ था ना पूरे डिस्क्रिप्शन के, यार वेदर ऐप में क्या चीज़ क्या करती है क्या नहीं करती। उसके बाद देखो, ये मेथड पोस्ट है, इस API का नाम, इस API का URL, ठीक है, और इसके अंदर बॉडी किस किस्म की भेजी जाती है वो बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये एक API मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगली API देखो, गेट ऑल पोस्ट, ये वाला उसका URL है, बॉडी में कुछ भी नहीं भेजते। गेट वन पोस्ट, उसका URL ये है, बॉडी में कुछ नहीं भेजते। फिर उसके बाद V2 का शुरू हो गया जी, V1 यहाँ आप कंप्लीट हो गया, उसके बाद V2 है। तो मेरे पास 40-50 जितनी API होगी लाइन से उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। यहाँ पे मैं जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ वो लिख के मैं लास्ट में क्या करूँगा, पब्लिश का बटन दबा दूंगा। ये मैंने पब्लिश का बटन दबाया, मुझे एक URL इसने दे दिया, ठीक है। अब ये URL मैं क्या करूँगा, किसी को दे सकता हूँ, किसी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन किसी को अगर मैं ये URL देता हूँ ना, तो वहाँ पर ये क्या करता है, शायद मुझसे ये पैसे मांगता है, ठीक है। बहरहाल, अब आप देखें कितनी अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन ये मुझे बना के देता है। क्या कर रहे हैं अभी भी, और सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, पब्लिश, अच्छा ठीक है। ये मेरे पास एक अभी भी मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अच्छा ये URL इसने मुझे एक दूसरा URL दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास देखो API डॉक्यूमेंट बनकर आ गया, ये मैं किसी को भी दूंगा। इसको मैं इनकॉग्निटो में ज़रा खोलता हूँ, देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता। खुल गया भाई इनकॉग्निटो में, ठीक है। तो ये मैंने देखो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, यहाँ पे कोड एग्जांपल भी आ रही है लिखी हुई। मैंने कहा कर्ल में नहीं चाहिए मुझे, मैंने कहा मुझे चाहिए नॉट जेएस में, तो कहाँ से होगा नॉट जेएस, अच्छा यहाँ ऊपर से। मैंने कहा यार मुझे जावास्क्रिप्ट में फैच वाले पे बना के दो आप, सही है। तो देखो ये फैच वाली रिक्वेस्ट पूरी इसने यहाँ पे बना के तैयार करके दे दी। अच्छा, फैच का भी पता नहीं, कोई पुराना कोड बहुत यूज़ कर रहा है, सही है, लोकल होस्ट 3001 और ऐसे करके,
जो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बहरहाल अभी यहाँ पे और कौन कौन सा है मेरे पास माल, नॉट जी एस एक्जियोस, मैंने कहा यार एक्जियोस का बना के दो मुझे, ठीक है। ये इस तरह आ गया, ऐसे ही खुलता है ना एपीआई डॉक्यूमेंट, जब मैं वेदर एपीआई में जाके देखता हूँ इसी तरह दिखता है ना मुझे यूआरएल, उसका बॉडी में क्या जाना है वो सब कुछ मुझे दिख जाता है। तो मैंने ये पुराना कोड है ज़रा रिक्वायर वाला, हमने तो ज़रा नया वाला पढ़ा है, तो अभी हर जगह वो ज़ाहिर अपडेट नहीं हुआ है नया वाला, तो ये पुराना वाला है। इसमें डेटा इसने बनाया है जेसन में, ये ठीक है, डेटा भी जेसन में ज़रा इसने थोड़ा सा पुराने तरीके से बना दिया। और उसके बाद ये पूरा कॉन्फ़िग तैयार किया, एक्जियोस डॉट कॉन्फ़िग करके वो डाला, पोस्ट की रिक्वेस्ट है ये, ठीक है जी, यूआरएल इसका ये, हेडर खाली है, इस तरह करके, ठीक है। और इसमें देखो सी शार्प वगैरह एक्स वाई जेड जो जो हो सकता है ना वो सब इसमें है, ठीक है। कोई बंदा अगर फ्रंट एंड बना रहा है ना, मिसाल के तौर पे डार्ट में बना रहा है, ठीक है, फ्लटर का डेवलपर है, आपने एपीआई बना के फ्लटर के डेवलपर को दी, वो मोबाइल ऐप में इस्तेमाल करेगा, तो वो डार्ट वाली एग्जांपल को देखेगा यहाँ पे कि जी डार्ट में ये किस तरह कॉल होगा, जी ऐसे कॉल होगा http.stream। अब उनके पास होती है कोई लाइब्रेरी, मुझे नहीं पता कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये http stream करके कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए ये रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स इनको वापस मिलता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरी API की डॉक्यूमेंट बन गया, ये URL पब्लिक है, ये URL मैं किसी को भी दूंगा उसके पास खुल जाएगा। यहाँ पे फोल्डर में ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मैंने की थी उस तरह ये ऑर्गेनाइज भी हुआ हुआ आ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा भाई ऐसे क्रिएट पोस्ट पे गया या गेट ऑल पोस्ट पे जाना चाहूँ मैं या गेट पोस्ट पे जाना चाहूँ, तो मैं ऐसे पूरा इसमें जाना आना कर सकता हूँ, ठीक है। लेआउट किस किस्म का चाहिए मुझे, सिंगल लेआउट चाहिए ऐसा वाला, ठीक है, डबल लेआउट चाहिए मुझे। अच्छा एक चीज़ और रह गई, मिस हो गई ज़रा वो मेरे जहन से, वो बात ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना पूरा URL, ये बेस URL तो मेरा चेंज हो जाएगा जब मैं API को पब्लिश करूँगा गूगल क्लाउड पे, तो ये मैं बेस URL इस तरह नहीं लिखूँगा। ये मैं बेस URL कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक अदद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में गया और ये देख रहे हो एनवायरनमेंट में बेस URL मैंने लिखा हुआ है 3000, तो मैं इसको कर दूँगा 3001, एडिट, ठीक है 3001 है ना मेरा फ़िलहाल, ठीक है। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पे मैंने बना के इसको सेव कर दिया, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मैं गेट ऑल पोस्ट करने जब जाऊँगा तो यहाँ पे 3001 की जगह मैं डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और बेस URL लिखूँगा ऐसे। ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा, बेस URL ये आ गया, ठीक है बेस URL ऐसे कर दिया मैंने। दूसरे वाले पे भी जाके मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को हटा के मैं बेस URL लिखूँगा, ताकि क्या होगा जब भी मैं मेरा बेस URL चेंज हो तो मुझे सब जगह URL ना चेंज करना पड़े, मैं जस्ट एनवायरनमेंट में जाके चेंज करूँगा ना यहाँ पे, वो सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं गेट की रिक्वेस्ट करता हूँ ना, अगर 341 पे, ये मेरी जो गेट की रिक्वेस्ट है 341 पे मैं हिट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है। अब मैं एनवायरनमेंट में जाके क्या करूँगा, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ जो मतलब इसकी, अच्छा देखो दो इसमें आ रही है, इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू, करंट वैल्यू को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसको कर दिया 5000 अगर, तो अब ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजने लग जाएगा, अब ये रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे शो भी कर रही है कि अभी इसकी करंट वैल्यू क्या है 5000 है, तो अब मैं इसको जब सेंड का बटन दबाऊँगा तो ये 5000 पे भेजेगा जहाँ पे ऑब्वियसली इसको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अगर मैं इसमें वो देखता हूँ ना कि इसमें URL कैसे दिखेगा, वेल उसने 5000 पे किया जहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस जाके यहाँ पे इसको ठीक कर सकता हूँ, मैंने इसको कहा भाई 3001, ठीक है दोबारा आके देखूँगा 3001। अच्छा अब क्या करूँगा, मैं दोबारा डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, व्यू डॉक्यूमेंट, व्यू डॉक्यूमेंटेशन, और इसको मैं क्या कर दूँगा पब्लिश दोबारा से कर दूँगा, बल्कि पब्लिश शायद मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ खुद ही अपडेट हो जाएगा। हाँ यहाँ पे खुद ही अपडेट हो गया कि जी बेस URL है उसके बाद API है, ठीक है। एनवायरनमेंट यहाँ पे नो एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट की जो फाइल होती है मुझे अलग से भेजनी होती है, या मैं एनवायरनमेंट का जो बेस URL है वो अलग से बता देता हूँ कि यार ये मेरा बेस URL है। एनवायरनमेंट के अंदर टोकन वगैरह और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम रखते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह जब हम आगे पहुँचेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे कि क्या चीज़ एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसने बता दिया कि जी बेस यूआरएल। जब मैं यहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐड करूँगा ना, इसका एनवायरनमेंट अब पता नहीं इसमें वेल तो ये पहला तरीका हो गया कि जी डॉक्यूमेंट आप पब्लिश कर देते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपका कलेक्शन है ना पूरा, इस कलेक्शन पर आप राइट क्लिक करके आप एक्सपोर्ट का बटन दबाते हैं। एक्सपोर्ट पूछ रहा है कौन से वर्जन का, मैंने कहा 2.1, ठीक हो गया जी, एक्सपोर्ट का बटन दबाया मैंने। एक्सपोर्ट का बटन दबाते ही क्या होता है, ये मेरे पास लोकल फाइल पे सेव हो जाता है। मैंने कहा इसको यार आप ना ज़रा डेस्कटॉप पे सेव कर दो, मैंने कहा डेस्कटॉप पे आप सेव कर दो इसको, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूंगा तो मेरे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है मेरे पास SMIT B9, ठीक है। ये जेसन है, ये आप किसी को भी भेजेंगे वो इसको क्या करेगा, अपने पोस्टमैन पे इंपोर्ट कर सकता है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाह रहे या डॉक्यूमेंट बनाना नहीं चाह रहे, आप ये पूरी पोस्टमैन की कलेक्शन भेजेंगे। तो आपने क्या करना है, जो अब आप असाइनमेंट जो आप बना रहे थे ना अभी, ये वाला, इसकी सारी APIs बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा मैंने तो सिर्फ पोस्ट वाला बनाया, मे बी आप कॉमेंट वाला भी बना लें, पोस्ट वाला तो एटलीस्ट लेकिन बनाना ही है आप, उसका ये आप बनाएंगे और इसको आप अपने GitHub में पुश करेंगे सोर्स कोड के साथ। एक आप फोल्डर बनाएंगे डॉक के, बल्कि मैं ये कर देता हूँ ना, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये मैं जाऊँगा मेरे VS कोड में, कहाँ गया मेरा VS कोड, और मैं यहाँ पे आके ना इस अपने जो जो ये फाइल है इसके अंदर, अरे क्या खोल दिया मैंने, ये सर्वर पढ़ रहे हैं ना अभी, फाइव, ये फाइव वाले फोल्डर में मौजूद हूँ मैं, ठीक है। V1 V2 सब है यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँगा डॉक के नाम से, या डॉक्स के नाम से एस भी लगा सकता हूँ, और इस डॉक्स के फोल्डर के अंदर ना मैं वो पूरा पोस्टमैन का कलेक्शन ला के डालूँगा, ठीक है। ये आमतौर पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, ये वाला काम ना ऐसे कर लें। इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और ड्रैग करके ला के मैंने इस डॉक्स के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पोस्टमैन कलेक्शन ये पूरा जेसन फॉर्म में इसने मतलब अपना एक तरीका बनाया हुआ है, इसमें वो सारी APIs है। बहरहाल इसको आपको जेसन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाता है। वो इंपोर्ट कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। पोस्टमैन पे आप जाओगे और पोस्टमैन में आप इधर जाके ना फाइल में जाके ये इंपोर्ट का बटन दबाओगे। आप इंपोर्ट का बटन दबा के ये पूछेगा भाई फाइल सेलेक्ट करो, मैंने कहा भाई फाइल ऐसे सेलेक्ट कराई मैंने, ये आ गया डेस्कटॉप पे ये टुडे, और इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा मैं तो ये कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मेरे पास तो पहले से क्रिएट हुई हुई है ना, चलो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। SMIT B9 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। और डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट करके मैंने इस फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे लाके B9 को सेलेक्ट किया, और आप देखो ये B9 ना यहाँ पे बन के आ गया दोबारा से, ठीक है। दोबारा स्टार किया, यहाँ पे आ गया। इस B9 के अंदर सारी वही सेम चीज़ें जो मैंने पहले रखी थी, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बता दिया मैंने, डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिश करना बता दिया, ये दोनों आपने करना है। आप जब GitHub में कोड पुश करेंगे तो उसके अंदर readme की फाइल होती है ना, readme.md, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का URL भी लगा हुआ हो और डॉक्स के फोल्डर में उसका एक्सपोर्ट भी मौजूद हो, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। छोटी छोटी चीज़ें अभी से प्रैक्टिस रखोगे तो बाद में तंग नहीं करेंगी, समझ रहे हो। वरना क्या होता है, बाद में एकदम क्लाइंट बोल देता है उसमें डॉक्यूमेंट लिख के, तो आप बोलते हो अरे ये कैसे करूँगा। तो शुरू से इन चीज़ों की प्रैक्टिस इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपसे। अच्छा ये हो गया। अच्छा अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि इसको अब हमने UI से कनेक्ट करना है, फ्रंट एंड की एक एप्लीकेशन बना के उससे हमने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। मेरे पास API डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है, उस API डॉक्यूमेंटेशन को देख, जैसे वेदर API हमने कॉल की थी सेम उसी तरह कॉल करेंगे, कोई मसला तो नहीं है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आ जाओ कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा अब मेरे पास क्या है, स्टेटिक के अंदर ना मेरे पास एक वो पड़ा हुआ है, पब्लिक के अंदर मेरे पास ये index.html की फाइल पड़ी हुई है, है ना। यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊँगा चुन्ना मुन्ना सा, और फॉर्म बना के उसके साथ मैं शुरू हो जाऊँगा ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। ये जो पहले का कोड लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एग्जियोस तो मुझे चाहिए, एग्जियोस को मैं रख लेता हूँ, बाकी को मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक अदद फॉर्म बनाऊँगा मैं, ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बनाता था फॉर्म। अच्छा ये इसमें पहले भी तो फॉर्म ही बना हुआ था ना, क्या बना हुआ था पहले, हाँ फॉर्म बना हुआ था ना इसके अंदर, बस ये ऊपर वाला टॉप वाला रिमूव करता हूँ मैं। मैंने कहा भाई पोस्ट क्रेड ऐप ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऑन सबमिट पे गेट वेदर था तो मैं ऑन सबमिट पे अब क्या लगा दूंगा कि क्रिएट पोस्ट, ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा है ना, क्रिएट पोस्ट, सही है, क्रिएट पोस्ट का फंक्शन है। अब मुझे इनपुट में क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए,
तो मैं ज़रा इसको फिर ना तीन कर देता हूँ। पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए? आईडी चाहिए पोस्ट की। अच्छा, आईडी में क्या करता हूँ, ज़रा रैंडम आईडी जनरेट करवा देता हूँ समटाइम। अभी फ़िलहाल मैं फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन क्या करता हूँ मैं नैनो आईडी करके एक छोटी सी लाइब्रेरी है, एक्सप्लोर कर लेना उसको। एक्सप्लोर क्या कर लेना करके बता देता हूँ, एक्सप्लोर यार छोड़ो। ठीक है, नैनो आईडी करके एक छोटी सी लाइब्रेरी है, इससे मैं क्या करूँगा रैंडम आईडी जनरेट करा दूँगा, ताकि मुझे फ्रंट एंड से भेजना ना पड़े। भाई फेसबुक में कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि वो कहता है कि यार आप जो है ना वो आईडी भेजो साथ, ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्या हो रहा है? अच्छा, इनका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से गायब है। ठीक है, आप npm install nano id करते हो, आ जाओ कर लेते हैं इंस्टॉल इसको। ठीक है, इसको मैंने सर्वर को रोका, sudo नैनो आईडी को इंस्टॉल मारा मैंने यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा यार ये नैनो आईडी को ना इस तरह करके मैंने इम्पोर्ट कर लिया। नैनो आईडी को मैंने अपने एक्सप्रेस के सर्वर में इम्पोर्ट कर लिया। गलत बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, नैनो आईडी यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई। अब मैंने क्या करना है, इस जगह पे आके मैंने जो ये नंबर लिखा है ना हाथ से मैंने, ये वाला, इसकी जगह मैं नैनो आईडी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक छोटी सी रैंडम आईडी जनरेट कर देगा। यहाँ पे जब मैं नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जब मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी मैं हटा दूंगा यहाँ से। आईडी की मुझे अब यूज़र से मांगना ही नहीं है मुझे आईडी, क्योंकि आईडी तो मैं खुद जनरेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में से भी आईडी हटा दूंगा। और जब यहाँ पे मैं बना रहा हूँगा पोस्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नैनो आईडी यहाँ पे ऐसे करके लगा दूँगा। सही है, अब क्या होगा ज़रा वापस और पोस्टमैन में। अब ये मैंने कहा गेट ऑल पोस्ट, तो जब मैं गेट ऑल पोस्ट करता हूँ ना, अब क्या हुआ? अच्छा, सर्वर रोक दिया था ना मैंने, सर्वर रोक दिया था मैंने। ठीक है, सर्वर मैंने रोक दिया था, गेट ऑल पोस्ट का मैंने बटन दबाया, तो अब देखो क्या होता है, ये एक रैंडम आईडी खुद से इसने जनरेट कर दी यहाँ पर पोस्ट बनाते हुए। ठीक है, जब मैं नई पोस्ट क्रिएट करूँगा, मैंने कहा क्रिएट अ पोस्ट। ठीक है, ये बॉडी है, इस नाम से मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं आईडी इधर भेज भी दूँ भले, तो सर्वर पे कंसिडर थोड़ी किया हुआ मैंने इस आईडी को। सेंड का बटन दबाया तो पोस्ट क्रिएटेड हो गया। मैं जाके दोबारा गेट ऑल पोस्ट करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे? देखो, दूसरी आईडी भी ना, ये आईडी इसने एक बना दी है यहाँ पे दूसरे पोस्ट की भी। ठीक है, तो नैनो आईडी, अच्छा इसको मैं कस्टम अल्फाबेट भी लगा सकता हूँ। वो नैनो आईडी की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि कस्टम अल्फाबेट पे कैसे होता है। मैं चाह रहा हूँ यार अल्फा न्यूमेरिक नहीं आए, सिर्फ नंबर आए, या सिर्फ स्मॉल वाले कैरेक्टर्स आए या कैपिटल, तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नैनो आईडी में। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे कस्टम अल्फाबेट आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस तरह से करूँगा, मैं बोलूँगा कस्टम अल्फाबेट, ये वाले सारे अल्फाबेट लिखे मैंने कहा 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, और फिर मैं जब क्रिएट करूँगा तो ये इन्हीं कैरेक्टर से 10 कैरेक्टर का क्रिएट करेगा। बंद कर दिया इसको मैंने, वापस आ जाते हैं अपने हम इस पे सर्वर पे। नैनो आईडी हो गया। अब फ्रंट एंड से करते हुए मुझे क्या चाहिए, मुझे आईडी नहीं लेनी है बंदे की, मुझे सिर्फ टाइटल और टेक्स्ट लेना है। तो मैंने कहा कि जी जनाब पोस्ट टाइटल, ठीक है, पोस्ट टेक्स्ट, ये दो चीज़ें मैंने इनपुट ले ली बंदे से। सबमिट का बटन दबाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे सबमिट पोस्ट। ठीक है, या सिर्फ सबमिट भी लिख सकता हूँ या सिर्फ पोस्ट भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या मैंने दिखाना है कि भाई पोस्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट पोस्ट चलेगा इसके अंदर, ये वाला हुआ है ना, तो मैंने क्या करना है अभी, ये वाला नहीं लेना है इससे, मैंने क्या करना है, मैंने पोस्ट टाइटल, ठीक है, और इसी तरह पोस्ट टेक्स्ट, ये मैंने दो बात यहाँ पे लिखी। उसके बाद अब मैंने एग्जियोस डॉट पोस्ट किधर चलानी है, स्लैश API/V1। अच्छा, मैं पूरा भी लिख सकता हूँ लोकल होस्ट ऐसे 3000, लेकिन वो फिर होगा ये कि जब सर्वर पे जाएगा ना वो, तो मसला करेगा, क्योंकि सर्वर पे लोकल होस्ट क्या पता उसको। ऐसे जब मैं स्लैश लगाता हूँ ना, ऐसे वाला जब मैं स्लैश लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बेस URL जो भी है इस वक्त, यानी बेस URL कहते हैं जैसे facebook.com, तो .com तक जो बेस URL कहलाता है ना, इस वक्त मेरे जो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस पे,
जैसे ये GitHub खुला हुआ है तो इसमें बेस URL मेरे पास क्या है इस वक्त, github.com है, ठीक है। तो github.com करके जो है ना, जो भी बेस URL है ना उसके आगे से मैं कह रहा हूँ कि मैंने लगाना है, ठीक है। जो भी बेस URL होगा उसके आगे ये चीज़ लगा दी जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा बेस URL जो भी है उसके ऊपर आप लगाओ /API/v1/ क्या करोगे आप, पोस्ट, ठीक है, ये करोगे और पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, सॉरी, टाइटल इक्वल्स टू पोस्ट टाइटल, और इसी तरीके से टेक्स्ट इक्वल्स टू पोस्ट टेक्स्ट। अब ये हो गया हिसाब किताब मेरा, ओके हो गया। जो भी रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आएगा उसको मैंने कॉन्सोल भी करवा लिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया उसको रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले भी करवा दिया। अच्छा, सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैं करवाऊंगा क्योंकि टेम्प नहीं आता मेरे इस केस में। रिस्पॉन्स डॉट डेटा में वो सीधी सीधी स्ट्रिंग जो मैंने वहाँ से लिखा है ना कि जी पोस्ट क्रिएटेड, वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैंने क्या करवा दिया, कॉन्सोल भी करवा दिया और स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवा दिया मैंने। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये सेम उसी तरह कॉल हो रही है जैसे वेदर की हमने API कॉल की थी। फ़र्क ये है कि वेदर की API किसी और का लिखा हुआ सर्वर था, अभी मैं जिस सर्वर को हिट कर रहा हूँ वो मेरे खुद के मेरे हाथ का लिखा हुआ सर्वर है और वो मेरे सर्वर पे ही चल रहा है, मेरे क्लाउड पे चल रहा है वो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कैच अगर होता है तो कैच की सूरत में भी मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डिस्प्ले कराता हूँ एरर और इनर HTML पे एरर इन गेटिंग एरर इन पोस्टिंग डेटा पोस्ट सबमिशन, ठीक है, एरर इन पोस्ट सबमिशन मैंने कर दिया। अच्छा, अब इसको चला के देख लिया जाए। चलाने का तरीका क्या है, इसको लोकल होस्ट 3001 में ऐसे ही लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, HTML की फाइल आ जाएगी। कैसे आ रही है HTML की फाइल, ये HTML की फाइल ऐसे आ रही है कि मेरे पास जो ये लगा हुआ है ना, मेरे पास ये सर्वर का जो रूट फाइल है इसके ऊपर स्लैश की रिक्वेस्ट, इसमें दाखिल हुई कुछ नहीं हिट हुआ बाहर आ गई, इसमें दाखिल हुई कुछ नहीं हिट हुआ बाहर आ गई, उसके बाद स्टैटिक में दाखिल हुई तो यहाँ पे उसको इंडेक्स की एक फाइल मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडेक्स की फाइल उसको मिल गई। अच्छा, एक दोस्त कह रहे थे कि उनके पास ना इस तरह करके वो जावास्क्रिप्ट की फाइल पकड़ में नहीं आ रही, किसके पास आ रहा था एरर, है यहाँ पे बैठा वो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जैसे मैंने तो सेम फाइल में लिखा हुआ है ना जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसको अगर अलग फाइल में लिखेंगे तो सही चलना चाहिए, क्योंकि जब वो वाली फाइल मिल रही है तो ये वाली भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। स्क्रिप्ट का जो आपने टैग लगाना है वो आपने उसी हिसाब से लगाना है। कैसे लगाओगे आप स्क्रिप्ट का टैग, यहाँ पे जैसे आप लिखोगे ना अगर अलग फाइल में तो आप स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे src इक्वल्स टू और स्लैश करके आप डायरेक्ट नाम लिखोगे उसका, ये स्लैश पब्लिक नहीं लिखोगे आप, पब्लिक तो है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता पब्लिक, ठीक है। तो स्लैश करके app.mjs ऐसे डायरेक्ट लिखोगे आप, तो क्या होगा बेस URL पे वो /mjs हिट करेगा, समझ रहे हो बात, तो इस तरह करके लगेगा वो, बात समझ आ रही है, करके दिखा देता हूँ। बल्कि यार यहाँ पे मैं बना देता हूँ app.mjs, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉन्सोल लगा देता हूँ, वो अगर ये लोड होगी फाइल तो कॉन्सोल हिट हो जाएगा, कॉन्सोल लिखा हुआ आ जाएगा IM external JavaScript file, ठीक है। अगर तो ये हिट होता है तो क्या होगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्सोल। इसको क्या हुआ, अच्छा ये क्लोजिंग टैग नहीं लिखा मैंने ना, ठीक है, क्लोजिंग। अब अगर ये फाइल हिट हो गई तो मेरे पास वो कॉन्सोल आ जाएगा। अच्छा, मैंने स्लैश ऐप क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बेस URL है इस वक्त उसके आगे /app.mjs लिखा जाए, क्योंकि मेरी स्टैटिक फाइल की सेटिंग ऐसी है, इस तरह की है, ठीक है, इस वजह से मैंने ऐसा काम किया। हाँ, डॉट स्लैश नहीं लगेगा यहाँ पर, डॉट स्लैश नहीं लगेगा, डॉट स्लैश का मतलब ये होता है कि अभी जो URL है उसके आगे लगाओ, और सिर्फ मैंने शुरू में बताया था याद है GitHub के टाइम पे कि डॉट स्लैश और सिर्फ स्लैश ये लिनक्स के अंदर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्लैश लगेगा, डॉट स्लैश यहाँ पे एरर देगा, दोनों लगा के दिखा देता हूँ। स्लैश लगाऊंगा इसका मतलब क्या है कि अभी जो बेस URL है उसके आगे ये बात लिखनी है, और डॉट स्लैश का मतलब है कि पूरा कंप्लीट URL जो उसके आगे ये बात लिखनी है। तो अगर मैं देखो लिखता हूँ ना लोकल होस्ट /app.mjs तो इसमें मुझे वो फाइल मिलेगी पूरी की पूरी, है ना, ये मुझे पूरी फाइल मिलती है IM external JavaScript। तो मैं बैक करता हूँ, इसको अच्छे से समझ लो कैसे हो रहा है। मैं इधर गया, इधर मैं गया नेटवर्क्स पे, ठीक है। जब मैं इस पेज को लोड करता हूँ ना
तो सारी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट आती है, देख रहे हो ऐप डॉट एम जी एस की रिक्वेस्ट की है इसने, और इस पर यू आर एल क्या हिट किया है इसने वो भी देख लो यहाँ पे, ये यू आर एल हिट किया है, ठीक है ये यू आर एल हिट किया है इसने। इवन अगर मैं इसके आगे कुछ और भी बात लिख दूँ ना, अगर जैसे इंडेक्स डॉट एम जी एस भी लिख दूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है बात वही है, मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दूँ तो चलेगा, लिख दूँ तो चलेगा ना ये तो। लेकिन आप देखें ऐप डॉट एम जी एस के लिए अभी भी इसने हिट क्या किया है, बेस यू आर एल पर लगाया है, कंप्लीट यू आर एल पर नहीं लगाया। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर आगे मैं डॉट लगा दूंगा ना सिर्फ, तो ये फिर कंप्लीट यू आर एल के आगे लगाएगा, मतलब वो क्या करेगा, लोकल होस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्लैश ऐप डॉट जे एस, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये अच्छा एरर इसने नहीं दिया, क्योंकि ज़रा इसको ये कंसिडर नहीं कर रहा ना, इंडेक्स लिखा हुआ है इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा है इसको ये। इसको मैं कैसे करूँ कि जो है ना वो आ जाए, अब इसके लिए मुझे एक अलग से एक राउट बनाना पड़ेगा वहाँ पर, और उसके अंदर मुझे इसको चलाना पड़ेगा। वेल तो ये बात बहरहाल समझ लो कि यहाँ पर डॉट लगेगा नहीं, अभी तो इस केस में लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो राउट की सिचुएशन ज़रा इस तरह की है ना जी। हाँ पूरा यू आर एल नहीं, हाँ नहीं नहीं पूरा यू आर एल क्यों मांगेगा, देखो ये मैंने स्लैश ए पी आई लिखा है ना, जो इसका मतलब होता है कि अभी जो बेस यू आर एल है उसके आगे ये लगाना है, अभी मैं उसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर दूंगा जब भी इसी तरह चलेगा। ये वाला लाइव नीचे वाला, ये मतलब ये जो गो लाइव है इसकी बात कर रहे हो, ये वाला हिट करूँ अगर, तो हाँ तो ये तो चलाना ही नहीं है ना आपने, आप तो सर्वर के एनवायरनमेंट में हो ना, ज़रा अभी वो बच्चों के लिए होता है यार गो लाइव वाला, कि वो इधर एडिट करें इधर दिखता रहे वो ज़रा, तुम लाइव कौन से लाइव की बात कर रहे हो, लाइव क्या चीज़ बताओ तुम, ये जो गो लाइव की बात कर रहे हो, ये गो लाइव का बटन दबा के जो करते हो ना, कैसे करते हो लाइव कैसे करो, अच्छा तुम कह रहे हो डायरेक्ट फाइल को ऐसे कॉपी पाथ करके खोल लूँ, कॉपी पाथ करके, नहीं कॉपी पाथ करके तो आप नहीं खोलोगे ना फिर ज़रा, ये तो डायरेक्ट फाइल खुल गई ना, इस तरह नहीं खोलोगे आप, लाइव कैसे करते हो ये तो बताओ, ओपन विथ लाइव सर्वर ना, तो पूछते रहो, ये बटन दबा के जो होता है ना ओपन विथ लाइव, ये जो बटन है, हाँ नहीं ये नहीं करना आपने, ये करोगे तो फिर वो जाहिर है वो सिर्फ अलग से फाइल खुल जाती है, आप सर्वर से बाहर हो जाते हो। असल में आपका जो ये लाइव सर्वर जो काम करता है ना गो लाइव, वो सर्वर हमने खुद लिख दिया ना यार, वो ये हमने स्टेटिक ये लाइन हमने खुद लिख दी ना, गिटहब होस्टिंग भी यही लाइन लिखता है पीछे, फायरबेस होस्टिंग भी यही लाइन लिखता है नीचे, इसी एक ही लाइन का होता है वो सारा, जो हम स्टेटिक होस्टिंग जितनी भी है ना, जब हम गिटहब में अपने फ्रंट एंड को जब होस्ट करते हैं समझ रहे हो, तो वो ये लाइन लिखता है पीछे, फायरबेस पे जब अपने फ्रंट एंड को होस्ट करते हैं तो वो भी ये लाइन लिखता है, लेकिन अब हमने फायरबेस होस्टिंग क्या कर ली, खुद की बना ली है पर्सनल, तो अब ना मुझे गो लाइव को इस्तेमाल करना है, ना मुझे फायरबेस की होस्टिंग को इस्तेमाल करना है, ना मुझे गिटहब में इसको होस्ट करना है, कहीं पे भी होस्ट नहीं करना, अब ये डायरेक्ट मेरे सर्वर से हिट हो रहा है, मेरा सर्वर ही खुद का है अब तो, ठीक है। हाँ अगर आपने क्या किया कि इसके फ्रंट एंड को आपने अलग से फायरबेस पे होस्ट किया और सर्वर को आपने अलग से गूगल क्लाउड पे किया, तो फिर आपको क्या करना होगा कि जहाँ जहाँ पे भी आप ये यूआरएल लगाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल लिखना पड़ेगा, सही है। लेकिन बेहतर ये है कि आप सेम जगह पे दोनों को रखें ना, अलग अलग ना करें, ठीक है। अलग अलग करना भी वैसे कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कर रहे हैं बहुत सारे लोग ये वाला काम भी, लेकिन ये है कि भाई ज़रा जब एक ही बंदे को पे करें ना, दो दो जगह अलग से पेमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गूगल क्लाउड पे भी एक टेयर तो फ्री है और फायरबेस पे भी होस्टिंग फ्री होती है, लेकिन ये है कि ज़रा एक ही जगह हो तो सही रहता है। अच्छा जी ये हो गई बात, पोस्ट क्रिएट होना शुरू हो गई। अब अगला काम मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरी फाइल जब लोड होती है, तो मैंने तमाम की तमाम पोस्ट को गेट करा के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। कैसे करूँगा मैं ये काम, इसी पूरे के पूरे जो डुप्लीकेट करूँगा इसको मैं विंडो डॉट हटा दूंगा इसके ऊपर से ना, क्योंकि अब मुझे इसको क्या करना है, गेट ऑल पोस्ट का नाम बताना है इसको। चलो बल्कि विंडो डॉट लगा देता हूँ, विंडो डॉट इसलिए दोबारा लगा देता हूँ क्योंकि इसको भी मैं क्या करता हूँ, विंडो डॉट ऑन लोड पे इसको मैं कॉल करा दूंगा मे बी,
ठीक है, गेट ऑल पोस्ट में मुझे ये दोनों पैरामीटर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट में एस लगा दिया मैंने ये, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई डेटा मुझे नहीं चाहिए, पोस्ट मुझे गेट के करनी है इस केस में, सेट है, ओके, समझ आ रहा है नहीं क्या हुआ है? मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है गेट ऑल पोस्ट, वो ऊपर वाला फंक्शन को मैंने कोलैप्स किया हुआ है, ठीक है, ये कोलैप्स हुआ हुआ है, गेट ऑल पोस्ट के नाम से एक और फंक्शन बना रहा हूँ, किधर बना रहा हूँ मैं ये, अपने HTML की फाइल के ऊपर बना रहा हूँ, अपने फ्रंट एंड के ऊपर मैं ये बात बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकता हूँ, लेकिन ज़रा यहाँ पे सेम फाइल में ना मुझे पढ़ाने में आसानी होती है, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको एक्सटर्नल फाइल में ही लिखें हम, हाँ ये लोड हो जाएगी ना फाइल, ये लोड हो गई ना अभी, दिखाया तो मैंने आपको, देखो ना कॉन्सोल पे ये लिखा हुआ आ गया ना, क्या ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये लिखा हुआ आ गया मतलब फाइल लोड हो गई, अब इसमें जो भी होगा वो चल जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ से भी आपको दिखा दिया नेटवर्क से भी कि नेटवर्क पे क्या होता है कि जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये app.mgs लोड हो गई है, और 304 का मतलब है नॉट मॉडिफाइड, अगर ये लोड नहीं हो पाती ना किसी, जैसे exeos.mgs है, देखो इसको लोड करने के लिए इसने ये वाला URL हिट किया है, अगर मैं ये URL ख़राब कर दूँ इसका, ठीक है, इसका URL मैंने ख़राब कर दिया, अब क्या होगा, जब मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा ना तो यहाँ पे एरर आ गया, तो आपने ये चेक करना है सबसे पहले आके कि अगर यहाँ पे तो ये फेल हो गया ना अगर, तो इसका मतलब है कि वो फाइल लोड नहीं हो रही सही तरह, जो प्रॉपर तरीका है, एक तो यहाँ पे आप देखते हैं ना कि तो कंसोल लगा के वो तो सही है बच्चों वाला तरीका है वो, लेकिन ये ज़रा प्रॉपर तरीका ये है कि यहाँ पे आके आप देखें कि जी कौन सी फाइल आपकी लोड नहीं हो रही, यहाँ पे आके आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो मैं वापस इसका URL सही करूँगा तो ये सही हो जाएगा, मिसाल के तौर पे आपने क्या कर दिया, app.mgs की स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी, तो क्या होगा, app.mgs की स्पेलिंग मिस्टेक करने पे ना देखें अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि 404 भाई, और ये URL हिट किया इसने, ये बता भी रहा है कि भाई ये URL मैंने हिट किया इसको लोड करने के लिए, ठीक है, इसको वापस से सही कर देता हूँ मैं, और मैं वापस से आके इसको लोड करता हूँ, ये सारा का सारा सही लोड हो गया, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं पोस्ट को गेट करने के लिए बना रहा हूँ ना API, ठीक है जी, गेट ऑल पोस्ट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कॉन्सोल करवा दिया मैंने, अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एक अदद एरे आ रहा है, तो उस एरे को मैंने क्या करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, कैसे डिस्प्ले कराऊंगा मैं, लूप चला के करवाऊंगा ऑब्वियसली, ये आप वेदर ऐप में कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल ज़रा मैं इसको क्या करता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके करवा देता हूँ, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके करवा दिया मैंने फिलहाल के लिए, ठीक है, ज़रा टाइम हमारे पास शॉर्ट है इस वजह से, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके स्क्रीन पे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इनर HTML के अंदर जो रिजल्ट का इनर HTML है वहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया, अच्छा, और ये ऑल पोस्ट कब हिट होगी, ये हिट होगी मेरे बॉडी के ऊपर जाके मैं लगाता हूँ कि जी ऑन लोड, और उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ गेट ऑल पोस्ट, सही है, आके जी अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास देखें जावास्क्रिप्ट बनी भी आ गई, अच्छा इसका मैंने ये टाइटल गलत लगा दिया, टाइटल क्या था इसका, टेक्स्ट टाइटल था ये, और था ये टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक H2 लगा देता हूँ मैं, क्रिएट अ पोस्ट ऐसे करके, सही है, क्रिएट अ पोस्ट का ये फॉर्म आ गया, और ज़रा ये सबमिट के बटन के बाद ना मैं थोड़ा BR लगा देता हूँ ताकि ज़रा ये नीचे ना फासला देखा रहे, अब मैंने क्या लिखा टाइटल, मैंने कहा न्यू पोस्ट और सम टेक्स्ट, और मैं क्या करूँगा सबमिट का बटन जैसे ही दबाऊँगा तो पोस्ट क्रिएटेड हो गया, और अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास देखो दो पोस्ट आ रही है, ठीक है, दो पोस्ट आ रही है मेरे पास, एक एरे आ रहा है, पहली पोस्ट देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक है, पहली पोस्ट इसमें ये यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से दूसरी पोस्ट, इसको मैंने ज़रा स्ट्रिंगिफाई करके प्रिंट करा दिया, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन आपने ये काम नहीं करना है, आपने बकायदा कार्ड बनाना है, एक पोस्ट पूरा कार्ड बन के दिख रहा हो आपके पास, ठीक है, CSS आती है ना सब लोगों को, तो CSS के ज़रिए और उसको लूप चला के ज़रा कि जितने भी आइटम आए उस एरे में हर आइटम के अगेंस्ट एक कार्ड बनवाना है, डॉम भी सब आप लोग पढ़ चुके हैं तो डॉम के ज़रिए कर लें, इनर HTML के ज़रिए कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप कर लें, लेकिन कार्ड की सूरत में ये नज़र आना चाहिए। अच्छा, क्या होता है कि जब मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ और सबमिट का बटन दबाता हूँ तो वो पोस्ट मेरी गायब हो जाती है, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास रिजल्ट के लिए भी एक ही डिव है और पोस्ट को दिखाने के लिए भी एक ही डिव है, ठीक है, तो मैं इसका डिव ज़ाहिर है अलग अलग करूँगा। अब
इसकी जो डिव है ना मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट की डिव है, इसके नीचे मैं एक ज़रा पोस्ट की डिव बना देता हूँ कि मैं अपनी पोस्ट को ज़रा इधर डिस्प्ले कराऊंगा और रिजल्ट को इधर डिस्प्ले कराऊंगा, और इसमें बीच में एक बीआर भी लगा देता हूँ ताकि ज़रा ये एक दो लाइन छोड़ के डिस्प्ले हो। और ये गेट ऑल पोस्ट को मैं क्या करता हूँ, गेट ऑल पोस्ट को मैं बोलता हूँ कि यार आप ना ज़रा पोस्ट वाले में जाके आप प्रिंट होना ना, ऐसे नहीं होना। अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अगेन और यहाँ पर कोई बात लिखता हूँ और पोस्ट का बटन दबाता हूँ तो मेरी पोस्ट गायब नहीं हो रही है। अब मेरे पास ये मैसेज अलग डिव में आ रहा है, ये अलग डिव में आ रहा है, लेकिन क्या हुआ अभी अभी जो मैंने पोस्ट की है वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि भाई जब पोस्ट क्रिएट होती है ना, पोस्ट क्रिएट होने के आखिर में, यानी जब पोस्ट क्रिएट क्रिएट सब कुछ हो जाती है, तो मैं यहाँ पे आके एक दफ़ा ये गेट ऑल पोस्ट को भी कॉल कर दूँगा। सही है, तो जैसे ही पोस्ट सक्सेसफुली पोस्ट हो जाएगी और मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा तो वो एक दफ़ा दोबारा से फेच भी कर लेगा उसको। आ जाओ आप देख लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, अब कोई नई पोस्ट यहाँ पे लिखी मैंने, जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पोस्ट क्रिएटेड और ये भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया, सही है, एक और दफ़ा दबाऊंगा तो एक और आ जाएगा। अभी ज़रा थोड़ा रियल टाइम हो गया ये। अच्छा अभी अभी हमारे पास क्या हो रहा है, जो नई पोस्ट है ना वो लास्ट में आ रही है, लेकिन आपने क्या करना है, जब आप कार्ड बनाएंगे तो नई पोस्ट आपकी टॉप पे आनी चाहिए, उसको रिवर्स करके ज़रा आप करेंगे। ये फायरबेस में भी हमने ये करके देखा था कि डेटाबेस से कैसे रिवर्स करके मंगवाते हैं, ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, ये आपका काम है कि आप उसको रिवर्स करके कैसे प्रिंट कराते हैं, या तो उल्टा लूप चलाएंगे या मैप करके कुछ करेंगे या एरे डॉट रिवर्स करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसका काम को करने के, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट पे जो वेरिएबल के साथ हमने क्रड ऐप बनानी थी अपनी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा अब आपको कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो API बनाई है वो सिर्फ पोस्ट क्रिएट करने की और गेट करने की बनाई है, डिलीट और एडिट करने की मैंने API नहीं बनाई है इस क्लास में। आपने लेकिन वो बनानी है, आपको पता है वो कैसे बनेगी, पता है ना कैसे बनेगी, समझ आ गया ना, क्योंकि गेट और क्रिएट हो गया तो एडिट और डिलीट उसी एरे के अंदर ही चेंजेस होंगी, वहाँ पे भी बनानी है और वो फ्रंट एंड पे भी बनानी है। जैसे आपके पास अगर चार पोस्ट है ना तो चार कार्ड बने हुए आ रहे हैं, तो हर कार्ड के साथ डिलीट का एक बटन आ रहा होगा, वो डिलीट का बटन दबाओ तो वो पोस्ट गायब हो जाए, वो सर्वर पे डिलीट की API कॉल हो, सर्वर पे उस वेरिएबल से वो पोस्ट खत्म हो जाए। और एडिट का भी बटन आ रहा होगा, एडिट का बटन दबाऊं तो फॉर्म खुल जाए, उसको एडिट करूं मैं, दोबारा सबमिट करूं तो सर्वर पे वो चेंज हो जाए, हो जाएगा ना ये काम, क्योंकि इतना तो मैंने करके दिखा दिया, वो तो आप मेरा कोड देखेंगे एज इट इज चलाएंगे तो चल भी जाएगा। वो असाइनमेंट में आपके मैंने ये एडिशनल अब चीज़ डाली है। तो जो आपने क्रड ऐप अभी तक, क्रड तो नहीं बल्कि अभी जो आपको लास्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, वो क्या था, वो ये था कि भाई राउटर, ये राउटर का सेटअप कर लें आप, हेलो वर्ल्ड बना लें, तो उस राउटर के अंदर अब आपने क्या करनी है, ये प्रॉपर क्रड की API बनानी है, पोस्टमैन का कलेक्शन बनाना है, पोस्टमैन का एक्सपोर्ट बनाना है, उसका फ्रंट एंड एक तैयार करना है जैसा मैंने तैयार किया, और उस पर अच्छे से CSS लगा के, और पूरा जैसे फेसबुक में आप पोस्ट करते हैं कार्ड दिखता है वैसे कार्ड दिखे, डिलीट का बटन दबाओ डिलीट हो जाए, एडिट का बटन दबाओ एडिट हो जाए, ठीक है, और इस तरह करके प्रॉपर करके आपने बनाना है, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आपके लिए प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा आपको 11 बजे तक। किसी का कोई सवाल है, ऑथेंटिकेशन कौन सी कर रहे हो तुम, फायरबेस वाली? फायरबेस वाली ऑथेंटिकेशन जब करोगे ना आप, तो डेटाबेस भी फायरबेस का यूज़ करोगे आप, उसको आपने मिक्स नहीं करना है इस सर्वर वाले के साथ, हो सकता है मिक्स लेकिन आपने करना नहीं है, ठीक है। जब आप फायरबेस जब आप लगाओगे ना, ऑथेंटिकेशन जब आप लगाओगे फायरबेस वाला, तो उस ऐप के अंदर आपने सर्वर को अटैच करना ही नहीं है सिरे से, ठीक है, आपने उसमें डेटाबेस फायरबेस का ही इस्तेमाल करना है, उसको आप बिल्कुल अलग रखें, इसके साथ बिल्कुल उसको मिक्स ना करें, वरना ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा मिक्स। रीज़न उसका क्या है, रीज़न उसका ये है कि जो फ्रंट एंड से डायरेक्ट डेटाबेस हिट होता है ना, उसको हम कहते हैं जैम स्टैक, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टैक है, और मुझे वो पर्सनली बड़ा मतलब पसंद नहीं है कोई इतना खास। अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सर्वर वाला जो सेटअप है ये कहलाता है मर्न स्टैक, ये मर्न स्टैक हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जी सर्वर होगा एक्सप्रेस का, MongoDB का डेटाबेस होगा, रिएक्ट का फ्रंट एंड होगा, ये मर्न स्टैक है, और जो डायरेक्ट फ्रंट एंड से आप फायरबेस को हिट मारते हो ना वो जैम स्टैक है। अब वो जैम स्टैक हमने पूरा नहीं कवर किया, लेकिन वो जैम स्टैक के अंदर वो काउंट हो रहा होता है, उसके अंदर क्या होता है सर्वर होता ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट चल रहा होता है, लेकिन जहाँ उसके फ़ायदे हैं कि जी ज़रा ऐप जल्दी बन जाती है, वहीं उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है भाई?
ठीक है। अच्छा जैम स्टैक अगर किसी को नहीं पता है तो अलग से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जैम स्टैक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। वो नेटलीफाई फंक्शन और वो पता नहीं और जो डेटाबेसेस हैं कुछ उसके, और कुछ और भी टूल्स हैं, वो गिटहब को एज अ डेटाबेस इस्तेमाल करना बता रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलें अब आप लोग सब प्रैक्टिस करने के लिए मूव कर रहे हैं।